ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोपहर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि बिग माफिया के भाई के कहने पर हमने मिलिट्री की जो डील थी वो कैंसिल करवा दी थी, और उसके बदले उसने हमें काफी सारे डायमंड्स दिए थे, और उस डील में जितने भी पैसे थे, जितने भी वेपन्स थे, वो सारे के सारे ट्रक में लोड करवाकर हम लोग लेस्टर के न्यू हाउस पे उसे लेकर आ गए थे। और गाइस बिग माफिया के भाई ने तो ये भी कहा था कि हमें कुछ भी करके ना इस न्यू मिलिट्री कर्नल को खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ना हमें हमारा बिजनेस करने नहीं देगा। अब यार देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिलिट्री कर्नल को मारना और खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अब यार देखो, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी पता चला कि ट्रेवर को लॉस्ट गैंग के बंदे पकड़ कर ले गए अपने गांव वाले अड्डे पर, और वहां ले जाके उसे दबा के कूट रहे हैं। और गाइस ये सुनते ही फ्रैंकलिन और मैं सीधा निकल गए उस अड्डे के लिए, और जैसे ही हम लोग ट्रेवर को बचाने के लिए वहां पर पहुंचे, तो भाई ये मालूम पड़ा कि लॉस्ट गैंग, बेलास गैंग, ग्रीन गैंग एंड सल्वा गैंग, ये चारों की चारों गैंग ना आपस में मिल गई है माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर को मार के लॉस सैंटोस पर राज करने के लिए। अब यार देखो, ये चीज तो इनके लिए एक टाइप से इम्पॉसिबल है, बट यार इनकी जो इस टाइम पर फोर्स है ना, या फिर आप गैंग कह सकते हो, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इनकी गैंग में इस टाइम पर बंदे भर चुके हैं। वहां पर से हमने जैसे तैसे करके ट्रेवर को तो बचा लिया था, बट हम सबको नहीं मार पाए थे, हमें वहां से बच के भागना पड़ा था एक टाइप से। तो जल्दी से हम लोग वहां से भागे, और इस टाइम ना गाइस हमें इस गैंग से बहुत ज्यादा खतरा है। अब पता नहीं यार ये कौन सी गैंग बनने वाली है, चारों गैंग आपस में मिल गए, गैंग का नाम पता नहीं क्या होगा। खैर छोड़ो, जो भी अभी लेस्टर अपने साथ है तो वो कोई ना कोई प्लान तो हमें बताएगा ही। अभी फिलहाल हमें अपना मास्क पहनकर इस शहर में घूमना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत है फिलहाल। हां गाइस यार, अभी ना मेरे को अपना एक काम और करना है। आपको याद होगा यार, हमें एक बाइक डिलीवर कर आनी थी, जो कि मैं लेकर आ गया, और ये रही अपनी बुगाटी डिवो, जो कि जिमी मार्टिन मद्रासो के घर से लेकर आ गया था। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं इस बाइक पर बैठता हूं, इस बाइक को लेकर चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहां पर ले जाकर ना गाइस इस बाइक की मैक्स स्पीड, इसका पिकअप, सब कुछ पूरी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो जल्दी से इस बाइक को मैं अपने गैराज से बाहर निकलता हूं। बाकी तो आप लोग यहां पर देख ही पा रहे हो कि जो बाइक है ना, साउंड वगैरह तो खैर नॉर्मल ही है, बट इस बाइक की स्पीड और इस बाइक की कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो अभी जल्दी से से भगाते हैं। बाकी यार अभी यहां पर मैं आराम से चलाने वाला हूं, क्योंकि अगर बाइक ठुक गई ना तो अपना ही नुकसान होगा। एकदम सही सलामत टेस्ट करके ले आएंगे, तो फिर उसके बाद मैं डिलीवर करने ले चले जाऊंगा, और जो मेन पेमेंट है वो लेकर आ जाएंगे। बाकी अभी मुझे नहीं मालूम कि बैनी ने कितने डॉलर्स की डील करी उस बंदे से, और वो बंदा आखिरकार है कौन, वो सब तो बैनी बताएगा। अभी जल्दी से इस बाइक के मैं मजे उठा लेता हूं आज। तो गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये मैं ना गाइस पीछे वाले रास्ते से आ गया हूं, तो यहां से अंदर जाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को अपनी बाइक को यहाँ घुसेरना पड़ेगा। अभी गाइस जल्दी से मैं पीछे से लेकर चलता हूँ। वैसे इस रास्ते से मैं एक बार ही बहुत पहले गया था, कभी कभार गेट खुला होता है, कभी कभार बंद होता है, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे अगर गेट बंद हुआ। तो सबसे पहले अपनी बाइक को मैं यहाँ से राइड करता हूँ, और आज गेट बंद है यार, मेरे को इसे खुलवाना पड़ेगा। कोई गार्ड वार्ड नहीं है क्या? एक सेकंड, यहाँ से मैं बात करता हूँ। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल तुम्हारे भाई ने बातचीत लगा के एयरपोर्ट का पीछे वाला जो गेट है वो खुलवा दिया है। अब यार देखो, पीछे से आने का ना कोई फायदा नहीं है। बेसिकली ये जो जगह है ना, ये ट्रक वगैरह जो आते हैं ना उनके लिए सामान लोड करने के लिए। तो यहां से जब भी आते हैं ना, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। एक तो घूम के आओ, ऊपर से अंदर आने के लिए ये पूरी पूरी जगह पे राउंड लगाने पड़ते हैं। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी ना जल्दी से मैं अपनी बाइक को लेकर चलता हूं सीधा मेन रनवे पर। वहीं पर मैं इसकी मैक्स स्पीड टेस्ट कर पाऊंगा, और इस बाइक से ना एक आध स्टंट भी मारकर देखेंगे कि आखिरकार ये स्टंट मारने में कैसी है। फिलहाल अभी कोई एयरप्लेन वगैरह तो नहीं आ रहा ना, पता चला अपना खतरनाक वाला एक्सीडेंट ही हो जाए। तो वैसे एक फ्लाइट सामने खड़ी है, तो जब तक ये जाएगी नहीं, मेरे हिसाब से दूसरी अभी आने नहीं वाली। तो फटाफट से अपनी बाइक को यहां पर खड़ा करते हैं। सबसे पहले ना गाइस, इस बाइक का जो टायर स्मोक है, लास्ट टाइम मैंने चेक नहीं करा था। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया है। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी ना जल्दी से अपनी बाइक को 3, 2, 1 एंड स्टार्ट, जल्दी से इसे लेकर चलते हैं। ओह भाई क्या खतरनाक है यार ये, अभी जल्दी से आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं मैक्स स्पीड ये कितनी टच करने वाली है। वैसे रनवे भी छोटा पड़ जाएगा इसकी मैक्स स्पीड देखने के लिए। तो 350 पहुंच गए भाई, बस बस बस, रुकेगी नहीं भाई। एक सेकंड, आगे ग्रास आ गया है, ग्रास पे बाइक के जो टायर है ब्रेक लगती नहीं, स्लिप हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहली रोक दी। फिलहाल अभी ना गाइस एक आध स्टंट मारते हैं यहाँ पर, देखते हैं आखिरकार स्टंट मारने में कैसे। फिलहाल ओके, तो व्हीली तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग जाएगी इस बाइक पे, और बहुत आसानी से लग जाएगी। बट स्टोपी गाइस बहुत कम बाइकों में लगती है, तो मैं स्टोपी मार कर देख लेता हूँ एक बार कि इसमें लग रही है या फिर नहीं लग रही। तो चलो गाइस 3, 2, 1 जल्दी से इस बाइक का स्टोपी टेस्ट करते हैं कि आखिरकार ये जो बाइक है स्टोपी मार पाती है या फिर नहीं। तो ये रखी, और भाई साहब यहाँ पर कितनी आराम से स्टोपी लग गई है, बट ज़्यादा ऊँची नहीं लगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना जो पीछे वाला टायर है गाइस वो हवा में था काफ़ी देर, तो इस
बार ना गाइस मैं थोड़ा सा काउंट करूंगा कि कितने सेकंड्स के लिए जाता है, और जहां तक मुझे लग रहा है ना 7-8 सेकंड के लिए तो हवा में रहता ही है। अभी जल्दी से एक और टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे भैया सीधा घर। तो अभी जल्दी से मैं भगाता हूं आगे, और 3-2-1 ये मारा स्टोपी टेस्ट। ओ भाई कितनी ज्यादा बढ़िया यार, अगर मैं इसे ज्यादा घुमाऊं ना तो ओ भाई साहब क्या मस्त बाइक है यार ये। अपनी जो हार्ले वगैरह है ना उसके अंदर ये चीज नहीं हो पाती, बट रेसिंग बाइक का यही फायदा है कि तुम अपना स्टंट मार के इसे रोड पर चला सकते हो। तो खैर छोड़ो यार, बहुत मजे हो गए, बट एक बार ये ना चेक करता हूँ कि आखिरकार इसका जो स्मोक है गाइस वो कितना ज्यादा फैल पाता। जो अपनी नॉर्मल बाइक होती है ना गाइस वो तो पूरा धुआं धुआं कर देती है। तो कि गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इस बाइक के पीछे वाले टायर से इतना ज्यादा धुआं निकल रहा था, बट ये इसका टायर ही खत्म हो गया भाई, पूरा जल गया ऐसा लग रहा टायर। एक सेकंड गाइस, ये तो अपने साथ स्कैम हो गया कि बाइक मेरे को डिलीवर कर आनी थी लेकिन इसका पीछे वाला टायर जल के गायब ही हो गया, राख ही हो गया एक टाइप से। यार एक सेकंड रुक जाओ, अब इसके अंदर हमें दूसरा टायर लगवाना पड़ेगा, बट अगर मैं इसे इस तरीके से घर ले जाऊंगा ना तो टायर तो गया ही है, साथ के साथ इसका जो रिम आप देख पा रहे हो ना जो लोहे का है ये भी खराब हो जाएगा। बट यार अभी ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है जिसके अंदर मैं इसे लोड करवा लूँ। एक सेकंड, यहाँ पर एक खड़ी तो है बट ये तो कुछ और ही है यार, ये रोड पर नहीं चल पाएगी, क्या करूँ यार। एक सेकंड, इसको घर ले जाना तो मेरे को ऐसे ही पड़ेगा। तो चलो यार कोई नहीं, अभी जल्दी से इसे लेकर चलते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ट्रक है भाई, उसके टायर कितने बड़े हैं, बट इसके ऊपर भी ये नहीं जाने वाला। तो अभी ना जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ये अरे अरे आराम से भाई, ब्रेक भी नहीं लग रही है। एक सेकंड, मेरे को आगे वाली ब्रेक मारनी पड़ेगी। और एक सेकंड, यहाँ पर पुलिस का कोई सीन हुआ है, जल्दी से ये मैं तोड़ कर निकलता हूँ यार सीधा अपने शोरूम तक। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल जैसे तैसे करके मैं अपनी बाइक को भगाता भगाता लेकर पहुँच चुका हूँ अपने शोरूम में। वहाँ यार इसको चलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका जो पीछे वाला टायर है यानी जो पीछे वाला रिम है ना, इस टाइम पर वो स्टेयरिंग का काम कर रहा है राइट लेफ्ट घूमने के लिए। तो जल्दी से, वैसे स्टेयरिंग तो कार में होती है, ये अपना मेन हैंडल आप कह सकते हो। तो चलो यार फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बस। इसकी लाइट वाइट भी टूट गई है, आगे वाली लाइट चेक कर लेता हूँ। तो भाई आगे वाली लाइट भी टूट गई है, बस एक साइड की काम कर रही है। खैर छोड़ो, अंदर लेकर चलते हैं इसे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर अपने शोरूम में आ चुका हूँ, तो जल्दी से इसे मैं आगे लेकर चलता हूँ। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जिधर जिधर ये चल रही है ना गाइस जमीन पे निशान पड़ता जा रहा है। खैर छोड़ो यार, वो सब हम बाद में ठीक करवाएंगे। अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइस, बेनी ने अपनी ये वाली जो कार है ना नाइट शार्क, इसको कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कर दिया है और साथ में पूरी बुलेट प्रूफ भी कर दिया है। तो अभी जल्दी से बेनी को बोलते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बेनी जो है बाइक का टायर रिपेयर करने में लग गया है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक नया टायर बेनी लेकर आया भाई साहब। इसके पास सारी चीजें हमेशा अवेलेबल रहती है। तो अभी ना जल्दी से चलकर हम लोग यहीं पर बैठते हैं और बाइक के रिपेयर होने का वेट करते हैं। वैसे एक टायर चेंज करना है और आगे की हेडलाइट ठीक करके वॉश करनी है। खैर वॉश तो मैं खुद भी करवा लूंगा। तो चलो गाइस यार फाइनली पूरे के पूरे एक घंटे वेट करने के बाद बेनी ने हमारी जो बाइक है उसका टायर भी चेंज कर दिया, हेडलाइट्स भी रिपेयर कर दिया है, साथ के साथ बाइक जहां से गंदी थी उसको भी वॉश करके साफ कर दिया है। लेकिन गाइस यार बेनी कह रहा है कि अभी ना 2 घंटे तक हम इस बाइक को चला नहीं सकते, अदरवाइज इसकी जो हेडलाइट्स है ना वो दोबारा खराब हो जाएगी और ये जो बाइक ठुकी है ना तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब पता नहीं यार, हमने तो बाइक कहीं पर भी ठुकी नहीं थी। बाकी अगर आपने देखा हो तो जरूर बताना, जहां तक मुझे याद है मैंने बाइक कहीं नहीं ठोकी थी। और बाकी तो बेनी कह रहा है कि अभी वो जो बंदा है ना गाइस वो डील कैंसिल कर देगा अगर आज उसको हम ये जो बाइक है डिलीवर करके नहीं आएंगे, क्योंकि उसको बोले हुए टोटल 3 दिन हो चुके हैं। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो जितना भी पैसा है ना, ये सारा का सारा जो भी हम शोरूम से कमाते हैं वो हमने यहां पर स्टोर कर रहे हैं। बाकी हमने कैबिनेट्स तो इतने सारे बनाए थे कि पैसा बहुत ज्यादा आएगा, बट अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ट्रॉली भी नहीं भरी है। तो गाइस अभी ना अपने बिजनेस को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बाकी तो यार बेनी कह रहा है कि ना जल्दी से इसकी बाइक डिलीवर कराओ, 2 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगी, जब तक हम लोग डिलीवर भी कराएंगे। फिलहाल ये जो आप जगह देख पा रहे हो ना गाइस, यहां पर अपना जितने भी पार्ट्स होते हैं ना बाइक कार्स के, वो सारे के सारे यहां पर इंजन हो गए, उसके साइलेंसर्स हो गए, साथ में बोनट वगैरह जो भी चीजें हैं वो यहां पर है। और गाइस ये है वो गाड़ी जो कि बेनी हमें लाने के लिए बोल रहा है। तो अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग इसके अंदर बैठते हैं। ये बाइक वाइक डिलीवर करने के भी काम आ जाती है और भी बहुत सारी चीजों के काम आ जाती है। और वैसे ये जो कार है ना ये बेनी ने मॉडिफाई करवा रखी है अपने शोरूम के लिए। तो जल्दी से ना मैं इसे एकदम आराम से नीचे उतारता हूँ, फटाफट से यहाँ पर सीढ़ियां हैं, यहाँ से उतर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पर अपनी ये छोटी सी कार हम लोग लेकर आ चुके हैं, इसके अंदर अपनी बाइक लोड कराते हैं और डिलीवर करके आते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इस बाइक को मैंने इस छोटे से ट्रेलर के ऊपर लोड करवा दिया है। तो गाइस सबसे पहले तो ना यहाँ पर इसका हैंडल मैं सीधा कर लेता हूँ, वरना पता चला बीच रास्ते में हैंडल ही टूट के बाहर आ जाए। पता नहीं यार, ये बाइक तो देखने में बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ी बहुत ना मेरे को पता नहीं क्यों कमजोर सी लग रही है। तो चल भाई बेनी, तू अपना यहाँ पर अपनी कार की मॉडिफिकेशन कर, मैं इसको जल्दी से डिलीवर कर आता हूँ। उस बंदे की जो लोकेशन है गाइस वो बेनी ने मेरे को दे दिया है। और गाइस बेनी कह रहा है कि हमें उस बंदे से $5,00,000 लेने हैं। यार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि बाइक ना एक टाइप से हमें पूरी फ्री में बने, सिर्फ
$1000 में। तो चलो यार जल्दी से मैं लेकर यहाँ से निकलता हूँ। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लोड करवाकर अपने शोरूम से बाहर लेकर आ चुका हूँ। और गाइस अभी ना इसको सीधा मैं लेकर जाने वाला हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर मुझे डिलीवर करनी है। वैसे यार ये जो गाड़ी है ना थोड़ी बहुत स्लो चलती है, बट हमें ज्यादा दूर भी नहीं जाना, यहीं पर पास में जाना है लॉस सैंटोस में। तो वो जो जगह एक बार मैं खुद तो चेक कर लूँ, मेरे को बैनी ने दे दी थी। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर हमें गाड़ी को यानी कि बाइक को डिलीवर करके आना है। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में। ये जो छोटी सी गाड़ी है ना गाइस, ये भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। ये मैंने नहीं सोचा था, बट अभी मैंने देख लिया तो मेरे को विश्वास हो गया। खैर छोटो जो भी है, अभी जल्दी से इसे डिलीवर कर आते हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे इसे डिलीवर करना था। बस मुझे आगे वाले कट से राइट लेना है और फिर हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे। तो अभी फटाफट से मैं एकदम यहाँ पर आराम से रुकता हूँ। और गाइस काफी ज्यादा स्मूथली मैं इसे लेकर यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। तो अभी जल्दी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाकी यार इसको मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, यही लोकेशन मेरे को दी थी। और जो आप ऊपर बंदा देख पा रहे हो ना, शायद से वही रेसर है जिसे हमें बाइक देनी है। और बाकी 2 मिनट चुप रहोगे, एक काम करता हूँ अपनी बाइक को ना यहीं पर खड़ा कर देता हूँ, उसके अंदर ना गाइस लॉक लगा देता हूँ ताकि कोई इसे चुरा वुरा के ना चले जाए। तो अभी ये गाड़ी पूरी लॉक हो चुकी है, कोई भी इसके अंदर बैठ नहीं सकता। अब यार देखो बैनी ने बहुत सही सेटिंग्स कर रखे इस छोटी मोटी गाड़ी में भी, देखने में मजाक है लेकिन चलने में बहुत तगड़ी है। तो गाइस यही वो बंदा और भाई साहब जी का फोटोशूट चल रहा है। तो चल भाई भी फटाफट से जो डील करनी है कर, और यहाँ पर इसकी तो पार्टी चल रही है भाई। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इस बंदे ने हमें पूरे के पूरे $5,00,000 कैश दे दिए और आज से ये जो बाइक है इसकी हो गई। बट यार मेरे को ना अभी एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार जिस भी बंदे से हमारी डील होती है वो बंदा बदमाश क्यों होता है। मतलब यार देखो इतना बड़ा रेसर है और अपने साथ 3-3 बॉडीगार्ड लेकर आया जिनके पास AK-47 है। खैर छोड़ो जो भी, आजकल सबको अपने साथ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और यहाँ पर इसको देखो, ये भी अपनी बाइक देखने के लिए आ गया। तो चलो यार छोड़ो, अभी फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के पास। लेस्टर का फोन आया था और वो कह रहा है कि यार कब से बुला रखा भाई, अभी तक आए नहीं, क्या सीन है यार। ये बात तो सही है कि मैं लेट हो गया हूँ, बट यार अभी ना जल्दी से जल्दी मेरे को लेस्टर के पास पहुंचना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कैब बुक कर लेता हूँ जो कि मेरे को जल्दी से पहुंचा देगी अपने घर पर। और वहां पर सारा का सारा पैसा रखकर मैं चले जाऊंगा लेस्टर के पास, उससे पता करना है आखिरकार क्या प्लान है, आगे क्या करना है। लेस्टर कह रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फिलहाल एक कप सैम ने आ भी गई भाई, कितनी अच्छी किस्मत है, हमने कैब को कॉल करा और वो सामने आकर खड़ी हो रही थी। तो चलो यार अभी फिलहाल यही वाली कैब बुक हो गई है और गाइस इस टाइम पर हमें सबसे पहले अपने घर पर जाना है। तो ये मैंने अपना घर यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। अभी जल्दी से इसे लोकेशन बता देते हैं। चल चल भाई जल्दी चल, इतना टाइम नहीं है। तो चलो अभी फिलहाल इसको ज्यादा पैसे हमने पे कर दिए हैं और ये फटाफट से हमें हमारे घर पर छोड़ देगा। चल चल भाई थैंक यू, मैं निकलता हूँ अपने घर। और पुलिस वालों को देखो सामने क्या कर रहे हैं, मेरे मतलब की पड़ोसियों की दीवार तोड़ रहे हैं। खैर छोड़ो, पता नहीं कौन से पड़ोसी, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अभी जल्दी से गाइस घर के अंदर चलते हैं, पैसा रखते हैं, फिर फटाफट अपनी बुगाटी रिवो लेकर निकल लेते हैं लेस्टर के पास। तो ये रहा अपना रूम, फटाफट से यहाँ पर पैसा रख देता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना बैग तो अपने बेड पर रख दिया। और गाइस अभी ना मेरे को एक चीज याद आई है कि उस बंदे को मैं बाइक तो डिलीवर कर आया, लेकिन यार वो जो बाइक का ट्रेलर था वो तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, बैनी को बोल दूंगा, वो अपना वहीं से जाकर ले आएगा। अभी फटाफट से मैं निकल लेता हूँ सीधा लेस्टर के घर पर अपनी बुगाटी डीवो को लेकर। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर कार का साउंड देख ही पा रहे हो, एकदम नेक्स्ट लेवल इसका बेस। ओ भाई साहब एक सेकेंड, अगर एक भी डेंट दिखा तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वैसे डेंट तो बिल्कुल नहीं आया भाई, ये क्या हो रहा है। एक सेकेंड एक तो खुद ही लाके ठोक रहा है और यहाँ पर मैंने अभी घर से निकाली थी, बुड्ढे बहुत बुरी तरह पिटेगा। ट्रक लेकर निकल ले यहाँ से, वरना अभी इसी ट्रक के अंदर अपनी बुगाटी डिपो लोड करके ले जाऊंगा। तो चलो अभी फिलहाल 4 घूसे में मैंने इसे बेहोश कर दिया है भाई, अपने घर से बाहर ही निकाली थी और पुलिस वालों ने कुछ कहा नहीं। चलो चलो निकल लेता हूँ भाई, क्या हो रहा है। एक सेकंड बंदों को क्या हो गया भाई, पीछे पुलिस है, मैं जा रहा हूँ यार। पता नहीं बंदों को क्या हो गया, लॉस सैंटोस के बुगाटी डिपो को 4 बारी ठोक दी घर से निकलते। वैसे अच्छी बात तो यह है कि बैनी से मॉडिफाई करवा रखी है तो एकदम मजबूत मेटल लगा हुआ है, इसके अंदर जल्दी डेंट नहीं खाती। तो अभी जल्दी से चलता हूँ सीधा लेस्टर के पास। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी बुगाटी डिपो लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के न्यू वाले हाउस पर। बस मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है और ये आ गया लेस्टर का न्यू वाला घर। तो बस 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 भाई साहब क्या पिकअप है यार अपनी गाड़ी का। तो चलो यार अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। और वैसे यार मुझे हर गाड़ी में लॉक लगाने की आदत डालनी पड़ेगी यार, वरना कल को कोई गाड़ी वाड़ी चोरी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी बुगाटी डिपो यार बहुत ज्यादा यूनिक कार है। तो अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा लेस्टर के घर के अंदर। बाकी यार ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी यहीं पर थे, अब पता नहीं यार वो कहीं अपने घर पर ना चले गए। फिलहाल ऊपर वाले फ्लोर पर तो कोई भी नहीं है ड्राइंग एरिया में। अभी यहाँ पर लेस्टर के रूम के अंदर चलकर देखता हूँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है। अब तो कंफर्म हूँ यार तीनों के तीनों नीचे ही बैठे होंगे। और इस टाइम पर यार ये लोग भी सीरियस होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे आखिरकार करना क्या है। वैसे मेरे को तो नहीं मालूम लेस्टर ने किस लिए बुलाया है, बट अभी जल्दी से बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर को देखो, इतने दिनों बाद आया है फिर भी पैसे गिनने में लगा हुआ, कितने मिले हैं। और फिलहाल फ्रैंकलिन तो वेपन्स टेस्ट कर रहा है कैसे है। चलो यार लेस्टर से बात करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि अभी अभी ना बिग माफिया के भाई का कॉल आया था और गाइस वो कह रहा है कि अभी ना हमें उसके लिए एक काम और करना पड़ेगा। तो यार देखो वो चाहता है कि हम लोग ना गवर
गवर्नमेंट फैसिलिटी जाएं और वहां पर जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स और स्वैट सोल्जर्स है ना, उनका डेटा सर्वर को हैक करके सारा डेटा ला के बिग माफिया के भाई को दे दे। अब इससे क्या होगा कि ना वो मिलिट्री कर्नल को धमकी दे पाएगा कि अगर तू मेरे को मारेगा तो मैं सारा डेटा लीक कर दूंगा, और मिलिट्री कर्नल उसका पीछा छोड़ देगा। फिलहाल ये जो काम है ना गाइस है तो एक टाइप से पूरा इम्पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी में बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन लेस्टर ने कुछ प्लान बनाया है। अब ये प्लान लेस्टर भी कह रहा है कि 40% चांस यह काम करेगा, बट यार अभी देखो उसने हमें इतने सारे डायमंड दिए हैं तो यार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग उसे मना भी नहीं कर सकते। तो चलो यार लेस्टर से पता करते हैं आखिर करना क्या है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है और गाइस टाइम आ चुका है दोबारा अपनी जिंदगी और मौत से खेलने का। तो यार देखो, मुझे लग रहा था ये कोई छोटा मोटा काम होगा, हमें बस गवर्नमेंट फैसिलिटी जाना है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार के जितना भी डेटा सर्वर्स है उन्हें हैक करके ले आना है। बट यार लेस्टर कह रहा है कि वहाँ पर 25,000 डेटा सर्वर्स हैं, बहुत बड़ा डेटा सर्वर फार्म है। तो वहाँ पर जाकर ना सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि स्वैट सोल्जर्स और मिलिट्री सोल्जर्स का डेटा किस सर्वर डिस्क में पड़ा है। सिर्फ उन्हीं दोनों को हैक करना है, बाकियों को नहीं करना। तो ये चीज़ पता करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सैंटोस गवर्नमेंट सेंट्रल हॉस्पिटल। वहां पर ना एक डॉक्टर है जिसका लैपटॉप उसी वाले सर्वर फार्म से कनेक्ट हो रखा है, जहां से हमें वो चीज पता चलेगी। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले तो वहां पर जाऊं, वहां सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, उस डॉक्टर को भी पकड़ कर लाना है और साथ में उसके लैपटॉप को भी लेकर आना है, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड भी हो सकता है ना। तो मैं उस डॉक्टर को नहीं मारना। फिलहाल ये ट्रैवर कहां पर रह गया यार, उसको भी बुलाता हूं बाहर। तो भी जल्दी से मैं पहले यहां से बाहर निकल जाता हूं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग लेस्टर के न्यू वाले हाउस से बाहर आ चुके हैं और गाइस अभी फटाफट से मैं अपनी बुगाटी डिवो को लेकर निकल लेता हूं सीधा लॉस सैंटोस सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए। बाकी लेस्टर ने बोला ना वहां पर जाति बंदों को मारना शुरू कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो डॉक्टर है ना वहां से भाग जाए। फिलहाल एक सेकंड, अच्छा गाड़ी में मैंने लॉक लगाया था, कि सबसे पहले गाड़ी का लॉक खोलो, अब फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं। तो गाइस लेस्टर ने बस यही बोला था कि अगर तुम देरी करोगे ना तो हो सकता है वो डॉक्टर पीछे वाले रास्ते से वहां से निकल ले, या फिर कोई ना कोई अलग रास्ते से वहां से निकल ले, क्योंकि गाइस वो जो डॉक्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबके लिए। तो अभी ना हमें कुछ भी करके बस उसे पकड़ना है और उसका लैपटॉप चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर ये चीज वो आराम से हमें दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना जितनी भी सिक्योरिटी होगी ना सारी की सारी मेरे और ट्रेवर के हाथों पिटने वाली है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बुगाटी डिवो को लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लॉस सैंटोस सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए। तो सबसे पहले अपनी एक बढ़िया सी ड्रिफ्ट मारता हूं और इस वाले रोड से गाइस मेरे को अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में एकदम सीधा भगाना है। ओ भाई, आराम से इंडिकेटर भी देना होता है यार, पता नहीं कैसे कैसे बंदे हैं मोड़ने के बाद इंडिकेटर देते हैं। तो गाइस अगर आप भी ड्राइविंग करते हो तो हां यार, राइट लेफ्ट मोड़ते हो इंडिकेटर जरूर दिया करो, स्पेशली मेन रोड्स पर। तो भी यार जल्दी से आगे लेकर चलते हैं। फिलहाल ये आ गया अपना लॉस सैंटोस सेंट्रल हॉस्पिटल, वैसे यही है ना। एक काम करता हूं गाइस, अपनी गाड़ी को ना अंदर ही लेकर चलता हूं। मैं सोच रहा था कि बाहर पार्क कर दूं, तो अंदर ही एकदम ना गेट के आगे पार्क करेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा सीन होगा ना कि हमें उतर के भागना पड़े तो जल्दी से आके हम लोग भाग भी जाएंगे। तो चलो यार, ये जगह एकदम बढ़िया सी है। फिलहाल वो देखो, वो हमारी गाड़ी की फोटो खींच रहा खड़े होके, और एक सेकंड जब से आया देख रहा उल्टा बोले जा रहा, क्या होगा, क्या दिक्कत है, मैं कुछ कह नहीं रहा, मार इसकी भैंस की डांग। तो चलो यार, अभी फिलहाल यहां पर भाई ट्रेवर गन क्यों चला देता है बात बात पे यार, मतलब नॉर्मल बंदे को थोड़े डरा रहे हैं यार, सीधा मार देता है। मैंने बंदों को मारना छोड़ दिया था, लेकिन ये ट्रेवर नहीं सुधरेगा। तो भी जल्दी चलते हैं अंदर। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर आ चुका हूं। तो अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं, तबाही हमें मचानी है। तो जल्दी से डॉक्टर स्मिथ को भेजो, हमें डॉक्टर एंडी स्मिथ चाहिए। बाकी ड्राइवर गोली किसने चला रहा है? ओके, यहां पर काफी सारे स्वैट सोल्जर्स थे भाई साहब, ये तो भी हमें बहुत बुरी तरह मार देते। गलती से यहां पर ना मैंने यहां पर एक डॉक्टर को मार दिया भाई। ड्राइवर, डॉक्टर्स की गोली नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें डॉक्टर एंडी स्मिथ को अपने साथ ले जाना है, अदरवाइज यार ये जो काम है नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी के पास जो लैपटॉप है ना वो लैपटॉप भी हमें चाहिए। अगर लैपटॉप के अंदर पासवर्ड हुआ तो पासवर्ड एंडी स्मिथ को ही पता होगा। बाकी यार यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ गए हैं, तो ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, बीच में भागे जा रहे हैं। इसमें से एंडी स्मिथ कौन सा, मैं कैसे पहचानूंगा? उसने कहा था वो हमें सेकंड फ्लोर पर हमें मिलने वाला है, और वहीं पर उसका लैपटॉप भी होगा। तो ट्रैवल इन सबको छोड़, जल्दी से सेकंड फ्लोर पे चल, डर जाना ऊपर थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है मेरे हिसाब से। काफी सारे यहाँ पर सोल्जर्स है तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो आगे से भाई साहब, मेरे आगे आ जा रहे हैं भाग भाग के। तो जल्दी से मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, यहाँ पर कोई रास्ता तो नहीं था ऊपर जाने का। बाकी यार ये सब जगह मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो जो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ ना गाइस वो आगे से ही है। काफी देर से देख रहा हूँ तेरे को मैं। ओके भाई, अंदर काफी सारे सोल्जर्स हैं, अबे इनकी गोली मत मारो यार। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल बहुत गलत सीन हो गया है। सामने की तरफ से काफी सारे डॉक्टर भाग भाग के आ रहे हैं। ये डॉक्टर कैसे हैं, एक जगह जाके बैठ क्यों नहीं जाते, जब तुम्हें पता है कि ये जगह अंडर अटैक है, तो किसी कमरे के अंदर छुप के बैठ जाओ यार। देखो स्वैट सोल्जर ही इन्हें गोलियां मार दे रहे हैं गलती से।
यार ये तो अपना ही नुकसान है। ओ भाई ये क्या चल रहा है, एक सेकेंड। अभी यार मेरे को समझ नहीं आ रहा हम लोग आगे कैसे जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अभी जब कोई डॉक्टर नहीं होगा ना तो ये वाला बम मैं फोड़ दूंगा। निकलो यहाँ से, अब इन्हें मजा आएगा। बहुत देर से चोने हो रहे हैं ना, तो निकलो यहाँ से। चल 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 ड्राइवर जल्दी से, यही मौका है ऊपर जाने का। बाकी आगे की तरफ में भी काफी सारे बंदे हैं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मजाक बहुत हो गया, अब है असली मजे का टाइम। तो ले बेटा अब जिसको जो करना है कर लो। ड्राइवर जल्दी से ऊपर आ, वरना हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी ना गाइस कुछ भी करके हमें फटाफट से ऊपर जाना है, अदरवाइज यार यहाँ पर हम लोग फंसे रह जाएंगे। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता आ चुका हूँ इन सीढ़ियों पे। जल्दी से ड्राइवर के आने का वेट करता हूँ। तो गाइस अभी ना फिलहाल बहुत देर होगी, बट अभी तक ड्राइवर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ रह गया। तो चलो गाइस यार फाइनली यहाँ पर ड्राइवर भी भाग कर आ चुका है। ड्राइवर सबसे पहले ऊपर आ, हमें सीधा जाना है सेकंड फ्लोर पर। बाकी यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है ना। चलो भाई ये एरिया थोड़ा सा क्लियर है, अभी जल्दी से हम लोग एकदम आराम आराम से ऊपर चलते हैं। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी। लाइट वाइट बंद कर दो ताकि हम लोग एकदम अंधेरे में ऊपर जाएं और किसी को ढंग से नजर भी ना आए। ड्राइवर तू आ रहा है ना, बस एकदम आराम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। सारी की सारी लाइटें मैंने बंद कर दिया है और मेरे पास कुछ टीयर गैस है, ये अपने बहुत ज्यादा काम आने वाले। कुछ नहीं है, काफी सारी है। तो भी जल्दी से यहाँ पर अंदर चलते हैं। इसको मैं खोलता हूँ सबसे पहले तो फायर करके। अंदर मेरे हिसाब से काफी सारे स्वैट सोल्जर्स तो होंगे और एक गैस मेरे को सामने की तरफ में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बेटा हमें पागल बनाओगे। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितनी भी टीयर गैस है ना, ये सारी की सारी मैं अंदर डाल देता हूँ ताकि इसकी स्मेल सुनकर ये सारे के सारे बेहोश हो जाए। बेटा कैसा लग रहा है? ओए तेरी भैंस के नशे में है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को पता है क्या लग रहा है कि इधर जितने भी स्वैट सोल्जर्स हैं ना, वो सारे के सारे इसे सुन के बेहोश होने वाले हैं। तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। बाकी तो यार यहाँ पर फिलहाल इन लोगों ने भी मास्क लगा रखा है, बट इनके ऊपर ये कुछ ज्यादा ही असर कर रहा है। और जो हमारा वाला मास्क है वो तो यार आपको पता है कितना ज्यादा तगड़ा है। तो भी जल्दी से ना यहाँ पर आकर मैं छुपता हूँ, यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स हैं। नहीं भाई नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो जाएगा। और ये ट्रैवर कहाँ पर है? ये स्वैट सोल्जर्स है। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि ये ट्रैवर है, सीढ़ी ऐसे की तरफ निकल रहा है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसके एकदम मस्त तरीके से बरसा दिया है। सामने की तरफ में एक बंदा और था, उसको भी मैंने मार दिया। एक बंदा ये रहा, तू भी निकल। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे ऑलमोस्ट हमने सबको मार दिया है। एक बंदा और है, तू भी निकल। और एक और आ गया बेटा, आ जा आ जा, तीरी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे हिसाब से जितने भी स्वैट सोल्जर्स थे हमने सबको मार दिया है। बाकी यहाँ पर ट्रैवर नीचे मत जा, शायद नीचे से भी बंदा है। ओ भाई साहब यहाँ पर मेरे को इनकी पहली आवाज आ गई थी, काफी सारे बंदे गाइस भाग कर नीचे से आए। रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें भी ये थोड़ी देर के लिए सुंघाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर मैं बैठता हूँ, रुक जाओ। इनको मारने का ना जल्दी से एक ही तरीका है, पहले तो यहाँ पर जितने भी सारे निकलो यार, नीचे से ना गाइस ये सारे के सारे आते ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर पहले तो बॉम्ब डालो, अब आके दिखाओ बेटा तुम्हारी। गलती से गाइस एक बॉम्ब मैंने यहीं पर लगा दिया। ड्राइवर जल्दी से अंदर भाग, क्योंकि अगर गलती से इस बॉम्ब पे किसी ने गोली मार दी ना तो बॉम्ब पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी अंदर आ, गेट बंद करा और ये कर दिया ब्लास्ट। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, मेरे हिसाब से अब सारे के सारे मर चुके हैं, बट अभी भी कुछ कुछ की मेरे को आवाज आ रही है यार। ये ना कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे, तीरी ऐसी की तैसी, मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई। निकलो यहाँ से अभी फिलहाल यहाँ पर, तुम थोड़ी देर के लिए ये सुनो, तुम्हारे लिए बनाए हैं। तो अभी फटाफट से गाइस यहाँ पर जितने भी है सारे के सारे फेंक देता हूँ और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना अगर हमने स्मेल कर ले तो हम लोग भी बेहोश हो जाएंगे। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो और इसके अंदर लिखा हुआ डॉक्टर ए स्मिथ चीफ मेडिकल एग्जामिनर। तो गाइस ए स्मिथ से शायद से एंडी स्मिथ ही होगा ये। तो भी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। और गाइस यार ये देखो, ये रहा एंडी स्मिथ का टेबल, बट वो यार यहाँ पर मेरे को नजर नहीं आ रहा फिलहाल। एक सेकंड, अरे डॉक्टर डॉक्टर आराम से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे भाई, इसकी ऐसी की तैसी पागल ही हो गया है। तो यार एक सेकंड रुक जाओ, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार फाइनली हमें एंडी स्मिथ तो मिल गया है। अबे भाग कर ये निकल जाओ, अबे कितनी तेज भाग रहा है, इसकी भैंस की डंग यार, इसकी बजानी पड़ेगी गाइस, पैर पे एक गोली मारनी पड़ेगी। तेरी भैंस की, निकल यहां से। तो चलो गाइस फिलहाल पैर पे एक गोली मारी है, मेरे को लग रहा आगे जाकर वो गिर गया। बस 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 घुटने पे लगी थी। और यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं है ना? फटाफट जल्दी से ड्राइवर इसको बांध, इसका लैपटॉप लेकर आ और इसको यहाँ से निकल। बाकी ये भी अबे इसकी टांग को क्या हो गया? एक सेकंड, नहीं मुड़ी है, मेरे को लग रहा था टूट गई। ये पता सीन क्या हुआ, यहाँ पर मैंने गोली मारी और सीढ़ी से भी गिर गया, पांच मंजिल नहीं पांच सीढ़ियों से। तो भी जल्दी से ऊपर चलता हूँ, इसका लैपटॉप लेकर आते हैं। वहां पर एक बैग रखा था, शायद से उसी के अंदर इसका लैपटॉप होगा। तो गाइस अभी जल्दी से चलकर मैं इसका बैग उठाता हूँ और फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। कौन सा रूम था वो? ये वाला रूम था। तो चलो भाई, तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ से मैंने डॉक्टर एंडी स्मिथ का लैपटॉप जो है इस बैग के अंदर डाल लिया। और गाइस अभी जल्दी से मैं निकल लेता हूँ सीधा लेस्टर के पास। वैसे यार ट्रैवर को देखो भाई, इस डॉक्टर को जल्दी से पकड़कर भी लाया, इसके पैर में गोली लगी थी। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये अपना इलाज खुद ही कर लेगा। तो गाइस अभी ना जल्दी से लेकर निकल लेते हैं हम लोग सीधा लेस्टर के पास। वैसे ना एक दिक्कत की बात मेरे को लग रही है, हमने यहाँ पर इतने सारे स्वैट सोल्जर्स मारे हैं तो पुलिस हमारा इंतजार बाहर जरूर कर रही होगी, तो उनसे भी थोड़ा बहुत समझ
संभल के रहना पड़ेगा। और गाइस अभी ना अपना मेन टारगेट है लेस्टर के पास तक पहुंचना कुछ भी करके। तो चलो गाइस यार अभी ना टाइम आ चुका है इस जगह से बाहर निकलने का। पुलिस बहुत बुरी तरह हमें मारेगी आज। लेकिन गाइस मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया कि हम मेन गेट से बाहर निकलने के बजाय किसी पीछे वाले गेट से एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पर एक गेट ना गाइस आज मैंने पीछे की तरफ में भी देखा है, कब से देख रहा हूँ पागल हो गया, भाग ही जा रहा। तू थोड़ी देर यहीं पर बैठे रहे, दिमाग खराब कर रहा है। मैं मारना नहीं चाहता लेकिन इसकी हरकतें देखो। तो गाइस ये है वो वाला गेट, जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल हम तीनों सेंट्रल हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। और गाइस यही टाइम है जल्दी से यहाँ से निकलेगा। फिलहाल उस तरफ में मैंने अपनी बुगाटी डिवो खड़ी करी थी बट यार उसके अंदर तो दो ही बंदे आएंगे। फिलहाल यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ियां भी आ गई है और आगे से मेरे को एक पुलिस ऑफिसर की आवाज़ है, ओ भाई ये तो भाग कर इधर ही आ गए, ड्राइवर जल्दी से छुप जा वरना गड़बड़ हो जाएगी। और इसने मेरे को देख लिया, बेटा गोली चली मैं तेरा मत्था फोड़ दूंगा। एक सेकंड गाइस यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि और भी पुलिस ऑफिसर है, जल्दी जल्दी से पुलिस ऑफिसर फटाफट यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना तुम्हारे डॉक्टर का मैं मत्था फोड़ दूंगा। रुक जाओ भाई यहाँ पर तो काफी सारे हेलीकॉप्टर भी आ गए हैं, इनको साफ साफ पता चल चुका है हमने ये सीन करा है। बट ये लोग मेरे को जब तक नहीं मार पाएंगे जब तक मेरा एम इस डॉक्टर के ऊपर है। बाकी यार मेरे को पता नहीं कि ये डॉक्टर इनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हम हो। फिलहाल ट्रेवर उस तरफ में छुपा हुआ है, वो भाई यहाँ पर इन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक सेकंड, नहीं 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 इंस्पेक्टर गोली मत चलाओ वरना सारे पिटोगे। एक सेकंड गोली कौन सा चला रहा तुम में से, हमें फटाफट यहाँ से निकल ले दो जल्दी जल्दी, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बेटा तुम्हारा डॉक्टर मारा जाएगा। पता नहीं यार इनमें से ना कोई तो फायर कर रहा है बट वो मेरे ऊपर नहीं कर रहा, डराने के लिए कर रहे हैं। बेटा फिर हम करने पे आ गए तो फिर बहुत ही बुरी तरह रोगे। नहीं 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 फायर नहीं करना जल्दी जल्दी डॉक्टर जल्दी आके गाड़ी में बैठ, ये लोग कुछ नहीं कर रहे अभी, जल्दी से बस हमें यहाँ पर से बैठ कर निकलना है। बट अगर तुम लोग देर करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गोलियां चला तो रहे हैं, जल्दी 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 बैठ, कुछ नहीं कहेंगे फटाफट से। बेटा अगर तुमने कुछ भी कहा सीधा पड़ेगी निकल यहाँ से। तो चलो गाइस यहाँ पर इनके साथ स्कैम कर दिया, अभी फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। भाई क्या पागल बनाया स्वैट सोल्जर्स को, बेचारे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता था अगर वो लोग हमें मारेंगे तो उनका जो डॉक्टर है वो मारा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में पुलिस वालों ने अपनी गाड़ियां लगा दिया है। जल्दी से गाइस किसी और रास्ते से मेरे को अपनी गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पतली सी गली है, ओके यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर है, इनको कुछ नहीं कहूंगा, इन्होंने देखा ही नहीं भाई, ये अलग ही नशे में है, बगल से गाड़ी चलेगी इनको मालूम ही नहीं पड़ा। वैसे इस गाड़ी की ब्लैक विंडो भी नहीं है भाई, ये क्या सीन था। चलो कोई नहीं, सही अभी हमें जल्दी से निकलना है लेस्टर के पास। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के न्यू वाले हाउस पर। बस मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ना है और फिर लेस्टर का घर आ जाएगा। और गाइस यार फाइनली हम लोग उस डॉक्टर को लेकर भी पहुंच गए हैं। और यार डॉक्टर तो काफी ज्यादा अच्छा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि हमारा साथ दे रहा था, ये चाहता तो भाग सकता था। फटाफट से बेटा मत्थे पे ही गोली मारूंगा, जल्दी जल्दी से अंदर आ जा भाई, फटाफट से अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अभी हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस यार फाइनली इस डॉक्टर को लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं लेस्टर के न्यू हाउस पर। तो अभी जल्दी से इसको और साथ में इसके लैपटॉप को मैं लेकर चलता हूं नीचे लेस्टर के पास, बाकी उसको देखने के बाद वही बताएगा हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। फिलहाल अभी फ्रैंकलिन मेरे को कहीं पर नजर नहीं आ रहा और यहां पर नीचे रूम में भी सिर्फ और सिर्फ लेस्टर ही है, पता नहीं यार फ्रैंकलिन कहां पर चला गया। खैर चलो जल्दी से बात करते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर ने इस डॉक्टर के लैपटॉप का यूज करके ये तो ट्रैक कर ले कि आखिरकार मिलिट्री और स्वैट सोल्जर्स की डेटा सर्वर डिस्क कहां पर रखी है, क्योंकि इसका जो लैपटॉप है ना वो ऑलरेडी गवर्नमेंट फैसिलिटी के सर्वर फार्म से कनेक्ट था। तो लेस्टर के लिए ये जो हैकिंग थी बहुत ज्यादा आसान थी, बट लेस्टर कह रहा है कि इसका लैपटॉप वहां से तो कनेक्ट है बट वहां का जो एंट्री गेट है लिफ्ट का जो गेट है उससे कनेक्ट नहीं है और उस चीज को हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उस चीज को हैक करने के लिए ना गाइस हमें एक प्लेन चाहिए होगा, उस प्लेन का नाम है एवेंजर, उसको आप प्लेन भी कह सकते हो हेलीकॉप्टर भी कह सकते हो। और वो जो हेलीकॉप्टर है लेस्टर कह रहा है वो हमें मिलिट्री बेस में मिलने वाला है और वो हेलीकॉप्टर ज्यादातर मिलिट्री कर्नल यूज करता है और हो सकता है कि वो वहां पर ना हो, अगर ना होगा तो हम लोग अपने काम में फेल हो जाएंगे। अगर वो वहां पर हुआ और हम उसको चुरा लेते हैं तो फिर हम लोग उस गेट को भी हैक कर लेंगे और अंदर जाके डेटा सर्वर डिस्क को चुरा के वहां से भाग लेंगे। तो सबसे पहले अपना काम है मिलिट्री बेस जाके उस प्लेन को चुराना। तो भी जल्दी से यहां से निकलते हैं उस जगह के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर हम दोनों लेस्टर के न्यू वाले हाउस से बाहर आ चुके हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर मैं निकल लेता हूं सीधा फोर्थ जोन को टू मिलिट्री बेस के लिए। और भाई साहब फ्रैंकलिन भी हमारा बाहर वेट कर रहा था। चलो गाइस यार अभी सब कुछ बढ़िया हो गया है, अपनी टीम जो है गाइस पूरी हो गई है, यानी कि इस बार ही हम लोग ना वो प्लेन कुछ ना कुछ करके चुरा के लाने वाले हैं। बाकी यार ये बंदा अलग ही नशे में था, अच्छी खासी गाड़ी ले जा रहा हूं भाई, इतनी तेज भगाता हुआ लाया लाके ठोक दी। वैसे यार मेरे को ना एक शिकायत है, ये जो ड्राइवर है ना गाइस इसने भी लास्ट टाइम मास्क उतार दिया था और इस बार भी इसने मास्क नहीं लगा रखा है। मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये हमें फंसवा देगा। और अगर मिलिट्री कर्नल को ये मालूम पड़ गया ना कि ये जो है माइकल की गैंग ही कर रही है तो वो सबसे पहले माइकल की फैमिली को किडनैप करेगा। खैर छोड़ो जो भी है, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं मिलिट्री बेस के लिए वो वाला प्लेन चुराने। बाकी यार ये जो काम है ना मेरे को थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इस टाइम ना मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, लेकिन यार हमें कुछ ना कुछ करके काम करना ही पड़ेगा।
तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा फोर्ट जोन कोडू मिलिट्री बेस की मेन गेट के एंट्रेंस पर। वैसे यार आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग लास्ट टाइम लेस्टर के साथ आए थे ट्रक लेकर, तो हम लोग ने पीछे वाले रास्ते से दीवार टाप के एंटर हुए थे और वहां के जितने भी सीसीटीवी थे वो भी लेस्टर ने डिसेबल कर दिए थे, जिस वजह से ना किसी को पता भी नहीं चला था। तो भी सेम टू सेम हम लोग उसी जगह से एंटर होने वाले हैं। लेस्टर ने दोबारा से सीसीटीवी डिसेबल कर दिए हैं, तो भी जल्दी से बस हमें ना यहां से अपनी गाड़ी को नीचे ले जाना है। और शायद से ये वाली जो रिवर है ना ये उसी साइड पर जाती है। अब यार देखो मेरे को अच्छे से तो जगह याद नहीं है, और लेस्टर के साथ आया था तो उसने बता दी थी। अरे नहीं 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 अभी रैबिट मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता। चलो कोई नहीं, अभी आराम से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। प्लीज यार वो जगह मेरे को मिल जाए, वरना यार मिलिट्री बेस के ना आसपास भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी इस टाइम पर हो चुकी है। मतलब यार पहले इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, आपको याद होगा काफी टाइम पहले हम लोग इनकी गाड़ी चुरा कर ले गए थे तब भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बट यार अब तो ऐसा सीन है कि अंदर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं वो जगह पहुंचने वाला हूं। नहीं 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 पानी के अंदर नहीं, चलो 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 बस 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 बहुत है बहुत है भाई साहब। अपनी गाड़ी बहुत ही बुरी तरह पलटी थी, अगर पानी के अंदर जाती तो फिर कांड हो जाता अभी के अभी। तो चलो अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ, और वो जो जगह आप सामने देख पा रहे हो ना रेड वाला टावर, तो बस हमें वहीं पर जाना है, उसी जगह से अपनी एंट्री होने वाली है। तो बस अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। बाकी यार मैं रिवर किधर से क्रॉस करूंगा, पता चला कि अपनी गाड़ी जो है इधर मड में अटक जाए, तो वैसे आगे थोड़ी सी बढ़िया जगह है, वहां से हम लोग अपनी गाड़ी को आराम से क्रॉस करा सकते हैं। बस 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 ये जगह परफेक्ट है, जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं राइट मोड़ता हूँ। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा आगे और जाना है। बाकी यार किसी दिन ना हम लोग अपनी एक बढ़िया सी रेंज लेकर ना ऑफ रोडिंग करने जाएंगे, उसमें कुछ ज्यादा मजा आएगा। बट यार अभी पहले जो मेन इंपॉर्टेंट काम है उस पर ध्यान दे लेते हैं, वो सब काम तो बाद में भी होता रहेगा। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस की बॉर्डर पर। अब बस यहाँ से अंदर जाने का जुगाड़ जो है वो भी लग ही चुका है ऑलरेडी, बस हमें यहाँ से अंदर जाना है। फिलहाल यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह तो नहीं है ना, तो गाइस अभी ना फिलहाल अपनी जो गाड़ी है इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। और ये जो टावर्स है ना गाइस मैंने इन्हें दोबारा अच्छे से चेक कर लिया है, इनके अंदर एक भी बंदा नहीं है, यानी कि जो अपना रास्ता है ना बस वो एकदम पूरा का पूरा क्लियर है। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को इधर पार्क करता हूँ। वैसे यार सामने की तरफ में एक मिलिट्री का बंदा बैठा हुआ है, उसने शायद से गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी होगी, तो यार मेरे को लग रहा है ना मेरे को अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े कर देना चाहिए। वैसे वो अपनी धुन में खोया हुआ नींद वींद में मेरे को लग रहा है। और गाइस इस टाइम ना यहाँ पर शायद से एक जेट जा रहा है, तो उसको गाड़ी वाड़ी का इतना आवाज़ आएगा तो नहीं। फिलहाल एक और बंदा उधर बैठा हुआ था भाई, इन लोगों ने गाड़ी नहीं देखी भाई सब बच गए हम लोग, तो अगर ये लोग गाड़ी देख लेते ना तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती। और गाइस यार एक सेकंड, जब हम लोग पहले यहाँ पर आए थे तो इधर इतनी बड़ी बड़ी जालियां नहीं थी, लेकिन यार मेरे को पता है क्या लग रहा है कि इन लोग को ना उस टाइम पर मालूम पड़ गया कि हम लोग यहाँ से अंदर गए हैं, तो इन्होंने इधर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी जालियां लगा दी। तो यार अभी तो अंदर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, सामने की तरफ में जो बंदा बैठा हुआ है ना उसका भी ध्यान हमारे ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पर छुप जाओ, इसके जाने का वेट करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैठे बैठे आधा घंटा बीत चुका और वो गया क्या? ओके 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 गाइस तो चलो यार वो जा चुका है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। अभी ना गाइस देखो जो कॉर्नर है ना यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप है, तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग यहाँ से अंदर एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज हम लोग गेट के अंदर से जाएंगे ना तो फिर यार बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चले तो हम जाएंगे धक्का वक्का मार के जाए तैसे, बट बाहर के आने के टाइम पे ना फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चढ़ता हूँ। गाइस यार इम्पॉसिबल है यार ऊपर जाना, पहली बात तो जो कार है ना इसकी हाइट भी कम है, और साथ के साथ हम लोग ट्रक भी ले आते हैं ना तब भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन गाइस यार अभी ना मेरे पास एक मस्त आइडिया है, शायद ना सामने की तरफ में एक जगह और होती है, तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं उस साइड पर लेकर चलता हूँ। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां से हम लोग शायद एंटर हो सकते हैं, तो भी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं इस तरफ में खड़ा करता हूँ। तो ये जगह गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है, और यहाँ के सीसीटीवी पूरे के पूरे डिसेबल है, तो आप लोग को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भी फिलहाल अपनी गाड़ी को ना गाइस मैंने इस साइड पर खड़ा कर दिया है, तो यहाँ से ना बस मेरे को एक बार मस्त तरीके से उतर जाना है। इसको एकदम ना गाइस कॉर्नर में करके लगा देता हूँ ताकि मेरी गाड़ी का जो गेट है वो भी खुल पाए। तो चलो भाई एकदम परफेक्ट है, बस अभी मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ। फ्रैंकलिन पहले तू भी उतर जा, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस यहाँ पर प्लीज यार हमारा हाथ पहुंच जाए, 3 2 1 ओके। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर आ चुके हैं। तो चलो गाइस यार कितनी ज्यादा बढ़िया एंट्रेंस हो गई, अभी इन दोनों के भी आने का वेट करते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन ट्रेवर दोनों लोग भाग के आ चुके हैं इस दीवार को टाप के मिलिट्री बेस के अंदर। तो गाइस अभी ना जल्दी से सबसे पहले तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत आगे निकल लेता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना काफी सारे मिलिट्री सोल्जर्स हैं जो कि इस पूरे के पूरे एरिया में राउंड लगा रहे हैं। वो देखो सामने की तरफ में एक जा रहा है, अच्छी बात तो यह है कि इसने मेरे को देखा नहीं। और गाइस अभी ना सबसे पहले तो मैं अपनी गन बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि गाइस ये जो रास्ता है ना ये जाता सीधा पार्किंग के लिए, यहाँ से गाड़ी वगैरह आती जाती है, बीच में कोई नहीं चलाता, तो अगर किसी भी मिलिट्री वाले बंदे की गाड़ी आ गई ना तो फिर हम लोग बहुत ही बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो अभी ना सबसे पहले अपना काम यह है कि हमें जाना है सीधा पार्किंग में, और वहां से ना एक गाड़ी उठानी है ताकि हम लोग यहाँ पर पूरे में घूम पाए, और हमें यह पता करना है कि आखिरकार वो जो प्लेन है वो जो हेलीकॉप्टर है वो कहाँ पर है। फिलहाल लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, और पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि यही है वो एवेंजर हेलीकॉप्टर जो कि हम लोग लेने आए हैं। तो
जल्दी से ऐसे चलो मत, भागो, इतना फालतू टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी भाग करो फटाफट से। तो भी जल्दी से एकदम आराम आराम से आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग पार्किंग पे पहुंचने वाले हैं। और गाइस ये जो हेलीकॉप्टर पीछे खड़ा हुआ है ना, इसके पीछे AVG भी लिखा हुआ है। मेरे को हल्का सा दिखा बट मैं 100% श्योर नहीं हूं। यहां पर एक ट्रक भी है। और गाइस वो देखो, अभी दोबारा से दिखा था वो हेलीकॉप्टर, एकदम ब्लैक कलर का है, उसके अंदर दो दो पंखड़ियां हैं बहुत बड़ी बड़ी राइट और लेफ्ट साइड पर। फिलहाल आगे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। मान लो अगर इधर से मिलिट्री वाले का कोई ट्रक जा रहा हो तो भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हमें उन्हें मारना ही पड़ेगा और यहां से भागना पड़ेगा। अपने पास फिर और कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे हम लोग भाग बहुत ज्यादा आसानी से सकते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर आए थे। तो चलो यार, अभी फिलहाल हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही ना। फिलहाल सामने की तरफ में वो देखो यार, एक मिलिट्री वालों का बंदा जा रहा है। ड्राइवर गधैया पीछे आ वापस। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल सामने से एक मिलिट्री सोल्जर चलता हुआ इस तरफ में ही आ रहा है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने हमें देख लिया है। बिना सबसे पहले मुझे अपनी गन बाहर निकाल लेनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे होकर छुप जाओ, वरना अगर उसने देख लिया तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मेरे को लग रहा था वो अंदर ही आएगा बट वो ऐसे आके पीछे की तरफ में मुड़ गया। चलो चलो, अभी फिलहाल हम लोग थोड़ी देर के लिए सेफ है बट वो इधर की तरफ में रुक गया। भाई पता नहीं कितनी ज्यादा सिक्योरिटी हो चुकी है इस टाइम पर, बट अगर यहाँ गाड़ी आ गई तो हम फंस जाएंगे। तो चलो गाइस यार, फाइनली पूरे के पूरे आधे घंटे वेट करने के बाद ये जो पार्किंग है थोड़ी बहुत खाली हुई है इन मिलिट्री सोल्जर से। मतलब यार एक जाता है तो दूसरा आ जाता है यहाँ पर राउंड लगाने, बट अभी भी एक है लेकिन उसका ध्यान इस तरफ में नहीं है। तो जल्दी से भाग कर आ जाओ अभी ना। मैं गाइस जल्दी से इस वाली गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकल लेना, जल्दी 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 आओ। तो अभी फटाफट से मैं सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। अच्छी बात तो ये है कि गाड़ी लॉक नहीं थी, जल्दी से बैठो यार, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। बाकी तो आप लोग यहाँ पर जो पीछे की तरफ में प्लेन देख पा रहे हो ना, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यही है वो एवेंजर प्लेन जिसको हम लोग चुराने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भी जल्दी से ना उसके पास चलता हूँ और देखते हैं कि आखिरकार ये प्लेन एवेंजर है या फिर नहीं है। वैसे हर गाड़ी में ना उसका नाम उसके पीछे लिखा होता है, बाकी इस प्लेन का तो मेरे को पता नहीं है। वैसे ये मिलिट्री वालों का ऑफिशियल प्लेन है तो लेस्टर ने तो यही कहा था। और बाकी यार यहाँ पर तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो मेरे हिसाब से ना गाइस मेरे को अपनी गाड़ी लेकर आगे नहीं जाना चाहिए। वैसे गाड़ी ले जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इन लोगों ने मेरे को देख लिया ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो भी फिलहाल यहाँ पर मैं खड़ा हो चुका हूँ इस प्लेन की ना, एक काम करता हूँ, लेस्टर को फोटो खींच के भेजता हूँ, वही बताएगा कि आखिरकार यही प्लेन एवेंजर है या फिर नहीं है। अगर यही हुआ ना तो गाइस अपना काम आसान हो जाएगा, हमें बस इसे चुरा कर यहाँ से निकलना है। और थोड़ा सा ना गाड़ी के ऊपर चढ़ता हूँ तभी मेरे को कुछ नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ में ओके गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और इस तरफ में भाई एक के बाद एक मिलिट्री सोल्जर्स खड़े हुए हैं और काफी सारे सोल्जर्स ना गाइस इधर राउंड भी लगा रहे हैं। तो भी कैमरे को पहले थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर जूम इन करके गाइस वो देखो सामने की तरफ में लिखा हुआ है मरीन्स AVJ 426। तो गाइस शायद से यही है एवेंजर 426। चलो भाई अभी फिलहाल प्लेन तो हमें मिल चुका है बट इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को मारूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले ना लेस्टर को वैली में फोटो भेज देता हूँ एक बारी और उससे कॉल पे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि इस मिलिट्री बेस के अंदर ना एक ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है, अगर हम इस हेलीकॉप्टर के पास जितनी भी सिक्योरिटी है उसको मार देते हैं और हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकलेंगे ना, तो वो जो सिस्टम है उसके सेंसर इस हेलीकॉप्टर को सेंस कर लेंगे और अगर सायरन बज रहा होगा तो वो लोग इसे ब्लास्ट करके 2 मिनट में खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले ना तुम्हें उस सेंसर को डिसेबल करना पड़ेगा जिससे कि वो रोबोट को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से हेलीकॉप्टर चोरी हुआ है। मतलब कि जितनी भी सिक्योरिटी है ना उसको मालूम पड़ जाए लेकिन उस रोबोट को मालूम ना पड़े, वरना वो जो रोबोट है ना उसका जो मिसाइल निकलता है वो सीधा हेलीकॉप्टर के आके लगेगा, चाहे हम कितनी भी तेजी से भगा लें और चाहे कितना भी बचा लें। तो उसको बचाने के लिए यार मतलब कि उसको डिसेबल करने के लिए हमें उस टावर में जाना पड़ेगा और उस टावर में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन गाइस मेरे पास एक बहुत ज्यादा जबरदस्त आइडिया है और वो आइडिया 100% काम करने वाला है। तो उस आइडिया को सबसे पहले काम कराने के लिए ना हमें मिलिट्री वालों की गाड़ी चाहिए होगी ताकि हम लोग सिर्फ इस एरिया में नहीं पूरे के पूरे मिलिट्री बेस में घूम पाए। फिलहाल सामने की तरफ में एक मिलिट्री सोल्जर है और एक मिलिट्री सोल्जर गाइस उस साइड पर बैठा हुआ है। तो भी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं पीछे लेता हूँ और इस साइड मोड़ता हूँ, एकदम ना गाइस साइड साइड से भगा कर ले जाऊंगा। सामने की तरफ में वो जो गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पर मेरे को एक बंदा नजर आ रहा है और यहाँ पर यार दो दो मिलिट्री सोल्जर हैं। एक सेकेंड, ये लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, इनके पीछे से अगर मैं अपनी गाड़ी ले जाऊंगा ना तो थोड़ा बहुत बढ़िया रहेगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, अपने आसपास कोई भी मिलिट्री सोल्जर नहीं है। फिलहाल सामने की तरफ में ना एक नॉर्मल मिलिट्री सोल्जर बैठा हुआ है जो कि अभी ट्रेनिंग पर है। तो अभी ना गाइस इसको मारना तो ठीक नहीं रहेगा, अपनी गाड़ी को ना एकदम चुपचाप से हम लोग यहाँ पर खड़ा कर देते हैं और अपना चाकू वाकू है कोई साइलेंट वेपन एकदम बढ़िया सा उसको बाहर निकाल लेता हूँ। और गाइस इस टाइम ना मैं पूरा का पूरा रेडी रहना पड़ेगा इन मिलिट्री वालों से लड़ने के लिए। तो भी जल्दी से ना एकदम मैं चुपचाप आगे चलता हूँ, तुम लोग पीछे की तरफ में रहो वरना कुछ गलत सीन हो जाएगा तो फिर भाई मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर ये इधर खड़ा होकर पता नहीं क्या कर रहा है, इसकी भैंस की टांग, इधर आ तेरी, निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर इसके तो बचा दिए, किसी ने देखा नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलो गाइस इसके मैंने भर दिया, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो गाइस, यही टाइम है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर हमें गाड़ी तो मिल चुकी है, वैसे इसकी बॉडी किसी को नजर नहीं आएगी और ये पता नहीं यहाँ पर गेट नॉक कर रहा था। ड्राइवर जल्दी से बैठ, यही टाइम है। अभी ना गाइस जल्दी से हमें थोड़ा सा और आगे जाना है और सबसे पहले ना गाइस हमें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, मतलब
मतलब अगर हम लोग पुलिस ऑफिसर या फिर मिलिट्री वालों की ड्रेस पहन लेंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा बढ़िया सीन रहेगा। बाकी यार यहाँ पर ये जो गेट है ना खुलने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, और जब तक हम लोग इस गाड़ी में है ना तो जितने भी नॉर्मल बंदे हैं वो हम पे कम ध्यान देंगे कि हम लोग मिलिट्री के बंदे हैं या फिर नहीं है। वो लोग बस दूर से गाड़ी पे ध्यान देते हैं, बट अगर उनके पास ले जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, अगर ये यहाँ से उठ के जाएगा ना पीछे की तरफ में तो इसको बॉडी नजर आ जाएगी। तो गाइस अभी ना सबसे पहले मुझे इसको भी मारना पड़ेगा। क्या कर रहे हो भाई साहब, तुम्हारी ऐसे की तरफ से निकलो यहाँ से, भर दो इसके, भर दो, निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी यहाँ पर इसके बजा दिए मैंने, बस 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 बस। तो चलो यार अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। यार इसकी बॉडी तो एकदम बीच में है, अब यार गड़बड़ हो जाएगी, मैंने इसको गलत ही मार दिया। इसको नहीं मारते तो ज्यादा बेटर रहता। जल्दी से बैठ फ्रैंकलिन, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ। सामने की तरफ में गाइस यहाँ पर काफी सारे बंदे होते हैं, तो वहां से ना हमारी ड्रेस का जो जुगाड़ है हो जाएगा। तो अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, और ये वाला गेट खोल दो भाई। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल हमें कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री सोल्जर को ढूंढना है जो कि अकेले में घूम रहा हो, उसको मार के हम लोग उसकी पूरी की पूरी ड्रेस ले लेंगे। फिर हम लोग सीधा निकल लेंगे अपने मेन काम के लिए, यानी कि टावर में जाके वो जो सेंसर है उसे डिसेबल कर देंगे। बाकी यार यहाँ पर एक मिलिट्री सोल्जर तो मेरे को नजर आ गया है, बट ये ना एकदम बीच रास्ते में है। अगर मैं इसे मारूंगा तो यहाँ पर कैमरे वगैरह है वो तो चलो डिसेबल है, बट अगर और किसी ने देख लिया तो फिलहाल गड़बड़ हो सकती है। और गाइस इस टाइम ना ये यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर गेट पर एक और वहाँ पर मिलिट्री सोल्जर है। तो गाइस इधर दो दो मिलिट्री सोल्जर मिल गए हैं, और दोनों के दोनों ना अकेले में घूम रहे हैं। फिलहाल आगे वाले पे तो फिर भी एक बंदा है, बट ये वाला तो गाइस यार बिल्कुल अकेला है। अंदर की तरफ में ना गाइस तीन मरीन खड़े हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, इसे ऐसे मारूंगा तो ये हम पे शक करेगा। अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेकर चलता हूँ। और ये देखो गाइस ये ना थोड़ा बहुत इस साइड पे आने की कोशिश कर रहा है, इसको आने देते हैं। और अगर ये इधर आया तो भाई ये हमसे बहुत ही बुरी तरह पिटने वाला है। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे दिमाग में एक बहुत ज्यादा बढ़िया आइडिया है, जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर सीधा अंदर लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर ना शायद से अभी तक तो मेरे को किसी ने नहीं देखा होगा, अपनी गाड़ी को ना गाइस यहाँ पर अंदर घुसेड़ लेते हैं, और जल्दी से हम लोग उतर जाते हैं। और तीनों तीनों लोग एक एक दीवार पकड़ लो ताकि हमें कोई भी देख ना पाए। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल हम तीनों लोग इस गैराज में आकर छुप चुके हैं। अब जैसे ही कोई मिलिट्री सोल्जर अंदर आएगा ना तो उसको मार के हम लोग उसकी ड्रेस ले लेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे उस टावर में। फिलहाल अभी काफी देर हो गई, बट अभी तक इधर तो कोई भी नहीं आया, और फ्रैंकलिन भी उस साइड पर छुपा हुआ है। वैसे यार गाइस एक मिलिट्री सोल्जर सही में अंदर आ गया। एक सेकंड रुक जाओ, इसको ना थोड़ा सा आगे आने दो, अगर इसने देख लिया तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल पीछे की तरफ में कोई भी नहीं है, तो चल बेटा निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी फिलहाल इसको मैंने बजा दी, ये गन ना चला पाए। अगर इसने गन चला दी ना तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने इस मिलिट्री सोल्जर के रख रख के बजा दिया, बस यार सामने से कोई आकर देख ना ले। जल्दी से ना सबसे पहले अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करते हैं, और इसके कपड़े पहनकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। रुक जाओ, गाड़ी लगा रहा हूँ, कहीं जा नहीं रहा भी, फटाफट से अपनी गाड़ी बस मेरे को यहाँ पर लगानी है ताकि मैं अपना गेटअप चेंज करूँ, और बाहर से अगर कोई बंदा आया तो वो देख भी ना पाए। तो चलो यार इसके कपड़े पहले पहनते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इस मिलिट्री सोल्जर की ड्रेस तो मैंने पहन लिया है, और ट्रेवर और फ्रैंकलिन को मैंने यहीं पर रुकने के लिए बोल दिया है, क्योंकि गाइस ये जो काम है ना मैं अकेले करूंगा तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल सामने की तरफ में ना तीन चार मैकेनिक खड़े हुए हैं आर्मी के, वैसे इन लोग का उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। अभी ना गाइस जल्दी से मेरे को निकलना है सीधा उस जगह के लिए जहां से मुझे वो सेंसर्स डिसेबल करने हैं। वैसे अगर मैं गाड़ी लेकर आता ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन यार अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो हमें कोई कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि अपने फेस पर भी मास्क लगा हुआ है और पूरी की पूरी ड्रेस अपनी कवर्ड है, साथ में आर्मर्ड भी है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया सीन। अगर कोई पंगे लेगा, वैसे कोई लेगा ही नहीं, तो भी जल्दी से चलते हम लोग सीधा टावर पे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते पहुंच चुका हूँ सीधा फोर्थ जोन कोडू मिलिट्री बेस के टावर पे। तो जल्दी से अभी ना हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल सामने की तरफ में काफी सारे मिलिट्री वाले के बंदे खड़े हैं, बट यार अपने ऊपर ना कोई भी शक नहीं कर रहा, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एकदम फुल मजे में, फुल मौज में यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ। और कुछ कुछ बंदे तो यहाँ पर हालचाल भी पूछ रहे हैं, भाई कैसा है, इन लोग को मालूम नहीं है कि ये यहाँ का बंदा ही नहीं है। फिलहाल इस तरफ में लिफ्ट है, तो मैं लिफ्ट से जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, वरना सीढ़ियों से जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो भी सीधा हमें जाना है टॉप फ्लोर पर, फटाफट से अपनी लिफ्ट यूज करते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस लिफ्ट के थ्रू मैं पहुंच चुका हूँ सीधा इस टावर के टॉप फ्लोर पर। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर चलते हैं राइट वाले रूम में, और चलकर देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है। वैसे यार मुझे ना एक बार लेसर से भी बात करनी है, ये पता करने के लिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी मशीन है या फिर कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम लोग उस टावर में वो जो सेंसर घूम रहा है उसे डिसेबल कर सकते हैं। वैसे वो ना एक टाइप से एंटीना है जो कि इस पूरे के पूरे एरिया में बस ये सेंस करता है कि आखिरकार कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या फिर कितनी हाइट पर उड़ रहा है, वो सब पता कर लेता है। तो बस हमें उसे रोकना है कुछ भी करके। वैसे यार यहाँ पर जितने बंदे बैठे हैं यार ये लोग तो कुछ भी नहीं पहचान रहे। एक बारी ना गाइस यहाँ पर मैं ऊपर चल के ना सीधा लेस्टर को कॉल करता हूँ, फिर वही बताएगा हमें आगे क्या करना है।
तो चलो गाइस सर, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि तुम सीधा इस टावर के एकदम टॉप फ्लोर पर जाओ और वहां पर जाकर बस अपना फोन ऑन करके किसी भी मशीन से कनेक्ट कर देना, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग मिलिट्री बेस के टावर के टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस यहाँ से नजर आ रहा है, साथ के साथ भाई काफी सारे माउंटेन्स भी, और सामने की तरफ में एक मिलिट्री का नल खड़ा हुआ है। लेकिन गाइस चलो यार, अच्छी बात यह है कि ये दूसरा मिलिट्री का नल है, अगर वो वाला होता ना तो भाई वो तो हमें देख के पहचान लेता। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल जैसा जैसा लेस्टर ने मुझे कहा था मैं सेम टू सेम वही करने वाला हूं, तो अपना फोन मैंने यहां पर ऑन कर लिया है और लेस्टर ने गाइस यहां पर अपनी हैकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। अभी फिलहाल वो तो स्टॉप नहीं हुआ है, जब शायद से ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना तब वो स्टॉप हो जाएगा। बाकी यार अगर वो स्टॉप होगा ना तो ये लोग दोबारा ऑन कर देंगे। तो लेस्टर ने कहा था कि इन लोग को मार के ही यहां से निकलना, तो इनको मारना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसा सीन करने के लोग दोबारा ना ऑन पाए, भाई जल्दी हो जा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहे हैं कि यार ये जो रडार है ना गाइस हैक नहीं हो पा रहे हैं, और अगर ये हैक हो भी जा रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली दोबारा चलना शुरू हो जा रहे हैं। मतलब क्या, अगर सीधी भाषा में बात करें तो इसको हैक करना ना गाइस काफी ज्यादा मुश्किल है। तो लेस्टर कह रहे हैं ना तुम बस एक काम करो, यहां पर ना चुपचाप से एक स्टिकी बॉम्ब प्लांट कर दो और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। वैसे मैंने थोड़ा सा गलत जगह पे लगा दिया है, बट यहां पर इन लोग का ध्यान तो पूरा का पूरा बाइनिकुलर्स लगा के सामने की तरफ में ही है। और गाइस लेस्टर कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो तुम उस रडार को जाके तोड़ डालो और फटाफट से हेलीकॉप्टर कर निकल लो। वैसे ये बात भी मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है कि अगर हम उसे तोड़ते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जल्दी से निकलने के लिए गाइस सबसे पहले तो हमें एक ना गाड़ी चाहिए होगी ताकि फटाफट हम लोग यहां से भाग पाएं। अभी फिलहाल मैं सीधा आ चुका हूं ग्राउंड फ्लोर पर, तो गाइस अभी ना सबसे पहले मैं चलता हूं सीधा उस टावर के पास, और गाइस सामने की तरफ में किसी की रॉल्स खड़ी हुई है, तो भी ना गाइस जल्दी से यहां पर मैं इसके अंदर बैठता हूं। बाकी यार तोड़े नहीं, तोड़ अबे यार सायरन बज जाएगा इसका। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर जैसे तैसे करके इस गाड़ी का जो सायरन है वो तो मैंने जल्दी से बंद कर दिया है, वरना अगर बजते रहता ना तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहां पर थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, और ये आ गया गाइस मैं सीधा इस वाले टावर के पास। तो मेरे को बस यहां पर ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए कोई बढ़िया सी जगह पर सीढ़ी नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, भी फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहां पर सेटल करता हूं, और यहां पर पुलिस, अच्छा ये तो मेन हाईवे है तो वहां पर तो गाड़ियां जाती रहेगी। तो चलो यार अभी जल्दी से यहां पर मैं ऊपर चढ़ता हूं, और गाइस ये जो सीढ़ी है ना ये सीधा जाती है टावर के लिए, तो बस मेरे को यहां से सीधा ऊपर जाना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ चुका हूं, बस यार यहां से मेरे को 1 मंजिल ऊपर और जाना है और फिर मैं पहुंच जाऊंगा सीधा रेडार के पास, और गाइस मेरे को यहां से ये तोड़ डालना है। तो चलो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। अभी ना गाइस फटाफट से मेरे पास जितने भी स्टिकी बॉम्ब है ना वो सारे के सारे मैं इसके ऊपर प्लांट करने वाला हूं। बस यार एक जगह प्लांट नहीं करूंगा जहां पर मैं छुप के बैठूंगा, क्योंकि गाइस यार मेरे को ना इस जगह से भागना नहीं है। अगर मैं भाग कर नीचे गया और मान लो बाय चांस ये टूटा ही नहीं, तो फिर तो यार सारा का सारा प्लान और सारा का सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो बिना गाइस यहां पर जितने भी बॉम्ब पॉसिबल थे मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं, और कुछ बॉम्ब गाइस गलती से नीचे चले गए हैं, तो मेरे हिसाब से इतने बहुत रहेंगे। और गाइस अभी ना जल्दी से मैं इसको ब्लास्ट कर डालता हूं, तो एक बार ही ना एक आध बॉम्ब मैं और लगा देता हूं। भाई अभी इसको घर लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है, जितने भी है भाई सारे लगा डालो। तो यार अभी जल्दी से मैं चलता हूं सीधा नीचे पहले, लेकिन यार इसको ब्लास्ट कर दूंगा। 3, 2, 1 और ये कर दिया इसे मैंने ब्लास्ट को। चल सीरियसली भाई ये तो बहुत बुरी तरह फटा है, मेरे को नहीं पता कि वो फट के कहाँ पर गया होगा, जहाँ तक है नीचे चला गया होगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं सारी की सारी सीढ़ियाँ उतर कर आ चुका हूँ सीधा इस टावर के नीचे। तो फिलहाल सामने की तरफ में गाइस एक बफेलो खड़ी है, जल्दी से इस गाड़ी के अंदर बैठ कर मैं निकल लेता हूँ। फिलहाल ये गाड़ी का नाम बफेलो, और गाइस एक सेकंड, मेरे को ना गाइस बैनी ने एक ऐसी की दी है जिससे मैं किसी भी गाड़ी का ना लॉक खोल सकता हूँ, और उस गाड़ी में सायरन भी नहीं बजेगा। मतलब क्या ये ना सभी कार के लॉक से कनेक्ट हो जाता है। तो भी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ सीधा लेस्टर कह रहा हूँ ट्रेवर और फ्रैंकलिन के पास, वो लोग इस टाइम भी गैराज में होंगे। और गाइस अब अपना काम हो जाएगा, बस हमें वहां की सिक्योरिटी को मारना है और वो जो हेलीकॉप्टर है उसको लेकर निकलना है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उसी जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर लास्ट टाइम मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को छोड़ा था। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग इस जगह के अंदर चलते हैं। फिलहाल इन लोग की गाड़ी कहां पर चलेगी? चलो कोई नहीं, भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूं। अपनी गाड़ी को ना गाइस चुपचाप से यहां पर खड़ा करते हैं, और पता नहीं यार इसकी बॉडी भी कोई नहीं लेकर गया, और साथ ही गाड़ी कहां चली गई। जल्दी जल्दी उठ जाओ भाई, अभी टाइम है यहां से निकलने का। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक बढ़िया चल रहा है, तो अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा इस गाड़ी को लेकर मैं निकल लेता हूं वेयर हाउस की छत पर। मतलब क्या यार देखो, अभी वो जो जितनी भी सिक्योरिटी है ना उस प्लेन के आसपास, उसको मारने के लिए ना गाइस मेरे को एक बहुत बढ़िया जगह याद आई है। तो अभी ना गाइस जल्दी से मेरे को वहां पर जाना है, और यहां पर आर्मी मैकेनिक्स ने गाइस हमें देखा नहीं। चलो यार यही मौका है, जल्दी से मैं यहां से निकल लेता हूं। अगर ये लोग देख लेते ना तो अभी के अभी सारा प्लान चौपट हो जाता। तो लेकिन अभी प्लान चौपट नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, बस मेरे को अपनी गाड़ी को ना गाइस यहां से बस अंदर ले जाना है।
गाइस अपना जो काम है वो हो जाएगा अबे यार, आराम से एकदम एंड टाइम पे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलो अभी फटाफट से गाइस यहां पर अपनी गाड़ी मैंने खड़ी कर दिया है, हमें गाइस ये सारी की सारी सीढ़ियां चढ़ के इस वेयर हाउस के टॉप पे जाना है ताकि सामने जितनी भी सिक्योरिटी है ना उन सबकी छाती भून दे। तो की गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल हम तीनों लोग सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इस वेयर हाउस के टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से आगे चलते हैं। फिलहाल ऊपर की तरफ ना काफी सारे ग्लास होते हैं लेकिन ये सारे के सारे बुलेट प्रूफ होते हैं, और अगर ये बुलेट प्रूफ ना हो ना तो मैं मिलिट्री कर्नल के साथ एक मीटिंग करूं, क्योंकि वो जब भी बुलाता है ना तो इसके अंदर बुला के पूरा एकदम क्लोज कर देता ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। तो मैं चाहूं तो उसे ऊपर से आके मार दूं बट ये बुलेट प्रूफ होते हैं तो इसलिए हम उसे नहीं मार पाएंगे। तो बिना गाइस जल्दी से मैं आगे चलता हूं, फिलहाल तुम लोग भी आ जाओ। कहां रह गए भाई इतना फालतू टाइम में, वो देखो कहां घूम रहे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी भाग कर इधर आ चुके हैं, और गाइस टाइम आ चुका है यहां पर इन लोग से फाइट लेने का। सामने की तरफ में काफी सारे सोल्जर्स हैं और एक के यहां पर मैंने स्नाइपर का शॉट बजा दिया और बाकी सारे के सारे यहां पर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन कुछ को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि आखिरकार गोलियां पड़ किधर से रही है। और यहां पर सारे के सारे बहुत तेजी में हो बेटा, अब सारे पिटोगे, बहुत हो गया ना तुम्हारा। ओह क्या घटिया सिक्योरिटी है, सारे के सारे यहां पर हेलीकॉप्टर को ही छोड़कर भाग गए। अब आओ बेटा क्या कर सकते हो, निकल यहां से। अब सारे के सारे गाइस बहुत ही बुरी तरह पिटने वाले हैं, वैसे जान तो बहुत है, एक एक स्नाइपर हेड पे खाने के बाद भी यहां पर लड़ रहे हैं। तो ये भी गया, ये भागता हुआ कहां पर जा रहा है, निकल यहां से। तो चलो भाई फिलहाल यहां पर सबको बिछाना हमने शुरू कर दिया है, और बिचारों का रेडार ही बंद है तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो की गाइस यार अभी ना फिलहाल सामने की तरफ में जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स थे हमने सबको मार दिया, और गाइस टाइम आ चुका है प्लेन को लेकर यहां से निकलने का। फिलहाल कुछ बंदे ना गाइस ऊपर चढ़कर भी आ गए थे तो यहां पर इन्हें ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने मार के साइड कर दिया है। और गाइस अभी ना यहां पर वो देखो एक बंदा और आ गया, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहां से, कम से कम हेलमेट वेस्ट तो पहन लेता, पूरे मिलिट्री बेस में अपनी कुटाई करवाने के लिए घूम रहा है। वैसे यार गाइस मेरे को पता है क्या लग रहा है कि इधर ना नीचे की तरफ में काफी सारे बंदे हैं, तो यहां पर गाइस मैं अपने साथ, ओ नहीं 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 भाई 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 आराम से भाई, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ गाइस। वो रहा एक बंदा भागता हुआ जा रहा है, निकल यहां से। तो चलो एक को मैंने मार दिया, एक ये बैठा गाड़ी के पीछे तो इसको भी मैंने मार दूं। भाई नीचे तो काफी सारे बंदे हैं लेकिन जिस जगह पर हम लोग चढ़ के फाइट ले रहे हैं ना गाइस ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस यार देखो अभी तक तो फिलहाल हमारी जीत हो रही थी लेकिन सामने की तरफ से ना काफी सारे मिलिट्री सोल्जर्स चढ़कर ऊपर आ गए हैं, और गाइस यहां पर इन लोगों ने चारों तरफ से आना शुरू कर दिया है। आओ बेटा तुम्हारी ऐसी गलती बहुत हो गया, तू भी निकल। और एक ही रहा, कहां भाग के जा रहे हैं वे, अपने तीन बंदे डाउन हुए तो भाई साहब जी को याद आ रहा है कि कवर भी लेना होता है। बाकी यार ये जो वेयर हाउस है ना मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इधर हेलीकॉप्टर आ गया ना तो फिर बहुत ज्यादा गलत सीन हो जाएगा। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहां पर मैंने सबको मार दिया, और इसको कौन मारेगा, फ्रैंकलिन अंधा है क्या, तेरे बगल से बंदा चलता हुआ आ रहा है। तो चलो यार अभी मेरे हिसाब से ना गाइस हमें यहां से निकलना चाहिए, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं सीधा ना गाइस पैराशूट से जाता हूं और वो जो सामने वाला प्लेन है ना उसको लेकर आ जाता हूं। तो चलो भाई अभी फिलहाल मैंने पैराशूट खोला, नहीं नहीं भाई मैं फंस जाऊंगा। ओ भाई साहब मैं तो गलत ही जगह आके गिर गया, यहां पर पैराशूट खुलने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी ना बस मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना है, और अच्छी बात तो यह है कि अभी तक यहां पर हेलीकॉप्टर आ ही नहीं पाए क्योंकि बहुत से बंदों को ना इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाई है कि मिलिट्री बेस पे अटैक हो चुका है। तो निकल यहां से, भी फिलहाल यहां पर इन लोग की गाड़ी मेरे को मिल गई है, तो भी जल्दी से यहां पर मैं इन लोग की गाड़ी लेकर निकल लेता हूं सीधा आगे की तरफ में। अच्छा है कि यार ये वाली जालियां भी टूट गई, और गाइस यही है वो प्लेन जो कि हमें चुराना था। तुम दोनों लोग ऊपर की तरफ में रुको, मैं सीधा ये जो गाड़ी है ना मतलब ये जो प्लेन है इसको लेकर ऊपर ही आ जाऊंगा। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो काफी सारे मिलिट्री सोल्जर्स आ गए हैं, और कितनों को तो यार यहां पर मैंने मार भी दिया है। और फ्रैंकलिन और ट्रेवर इस टाइम ना गाइस वेयर हाउस के ऊपर है, लेकिन गाइस यार मैं नीचे अटक गया हूं, और यहां पर ये जो वेयर हाउस है ना इसका गेट भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो गाइस अभी ना जल्दी से मेरे को यहां पर पहले पीछे की तरफ में भागना पड़ेगा, इधर ही कवर ले लेता हूं, यहां पर थोड़ी देर के लिए तो सेफ रह पाऊंगा। तो यहां पर मैंने एक को मार दिया, और गाइस सामने की तरफ से वो देखो टैंक आ रहा, ओ भाई साहब यहां पर तो ये बहुत ही बुरी तरह मारेगा। अरे 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 भाई इसका निशाना मिस हो रहा है अभी फिलहाल। ओ भाई इधर से भी टैंक आ गया, नहीं 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 गाइस अभी मैं बहुत ही बुरी तरह फंसने वाला हूं। अच्छी बात तो ये है कि यार ये जो प्लेन है पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ है, तू यहां से निकल गाइस। एक सेकंड मेरे को एक चीज याद आई, यहां पर ये जो बैनी ने मेरे को दिया था इससे शायद से ये हेलीकॉप्टर खुल जाएगा। ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर इसका जो गेट है खुल चुका है, अभी जल्दी से यहां पर मैं हेलीकॉप्टर के अंदर बैठता हूं। फटाफट उड़ जा भाई प्लीज, इतना टाइम नहीं है भाई, एक सेकंड यार ये पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ है लेकिन इतनी गोलियां पड़ेगी तो यार फूट भी सकता है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल जैसे तैसे करके मैंने इसे उड़ा लिया है, तो बस 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 अभी ना थोड़ा सा आगे लेकर उड़ जाना है, और यहीं पर हैं ये लोग, बस मेरे को इधर ही से लैंड करवाना है। जल्दी बैठ जाना भाई, अपने पास इतना टाइम नहीं है, अगर नहीं बैठे तो समझ लो मारे जाओगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों के दोनों इस हेलीकॉप्टर में आकर बैठ चुके हैं, और गाइस यही टाइम है जल्दी से अपने इस वाले प्लेन को लेकर यहां से निकलने का। मैं इसे पता नहीं क्यों बार बार ही हेलीकॉप्टर बोलता हूं, लेकिन गाइस यार ये प्लेन है। फिलहाल इसके ऊपर ना गाइस दो बज़ूका पड़ी थी बट यार ये ना पूरा का पूरा सह गया, अब इसके बाद एक भी पड़ेगी ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अभी फिलहाल ना गाइस मेरे को अपनी हाइट कम करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब यहां पर एक शॉट और आया, वो देखो अपने पीछे गाइस पूरा का पूरा जेट पड़ गया, और वो कंटीन्यूअसली अपनी गोलियां मारे जा रहा है। बेटा तेरी ऐसी की तैसी करूंगा मैं, रुक जा। अभी सबसे पहले गाइस मेरे को इसे लेकर निकलना है भाई, ये जो काम था ना भाई बिग माफिया के भाई के लिए अभी तक का सबसे मुश्किल काम मेरे को लग रहा है। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग थोड़ी देर के लिए तो सेफ हैं। अभी ना गाइस लेस्टर को
कॉल मिलाते हैं, देखते हैं कि आखिरकार वो क्या कहता है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ना गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस हेलीकॉप्टर को लेकर ना गाइस वो जो ट्रेवर के घर के पास एयरलाइन है ना हमें वहां पर पहुंचना है, क्योंकि गाइस लेस्टर ना वहां से इसका पहले तो जीपीएस रिमूव करेगा, उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को जहां पर यूज है वहां लेकर जाएंगे। बाकी तो अभी लेस्टर ने ये भी कहा था कि जितना हो सके उतनी कम ऊंचाई पर इसको उड़ाना, वरना पुलिस वालों ने अगर इसे देख लिया तो दोबारा से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वरना तो अभी फिलहाल बिचारों के रेडार ही हमने डिसेबल कर रखा है, ज्यादा देर तक उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अभी जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं इसे। और अभी फिलहाल वाली जो एयरलाइन आ गई है, लेस्टर कह रहा था कि वो यहां पर पहुंचने वाला होगा या फिर पहुंच गया होगा, पता नहीं, अभी फिलहाल वो वहां पर पहुंच के ही मालूम पड़ने वाला है। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग इस हेलीकॉप्टर को लेकर पहुंच चुके हैं सीधा लेस्टर के पास। और सही टाइम पर ना गाइस फ्रैंकलिन भी पीछे वाली डिक्की में बैठ गया था, वैसे डिक्की नहीं पीछे वाला ट्रंक आप कह सकते हो। और गाइस वो देखो यहां पर लेस्टर भी भागता भागता आ गया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहां पर उतरते हैं और अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। फिलहाल सब कुछ जो अब हमें बस लेस्टर ही बताने वाला है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल हम लोग इस एवेंजर प्लेन के अंदर आ चुके हैं। बाकी तो यार इस छोटे से प्लेन के अंदर इतना कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था। फिलहाल यहाँ पर ना काफी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, वो शायद से गाइस ये वेपन्स का काम करती हैं या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो काम की चीज होगी, इसीलिए लेस्टर ने कहा इसे चुराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भी ना गाइस जल्दी से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। यहाँ पर यार कार वगैरह की मॉडिफिकेशन के लिए भी पूरा का पूरा सामान लगा रखा है भाई, कसम से बहुत ज्यादा कमाल का प्लेन है यार ये, एकदम संभाल के रखेंगे भाई इसे हमेशा हमेशा के लिए। अभी फिलहाल लेस्टर से बात करते हैं, देखते हैं हमें आगे क्या करना है सर्वर फार्म तक पहुंचने के लिए। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल लेस्टर ने हम दोनों का पूरा ड्रेस अप ही चेंज कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी पुलिस की ड्रेस हमने पहन लिया है और साथ में फेक बियर्ड एंड फेक हेयर भी लगा लिया ताकि बाकी कोई और बंदा हमें पहचान ना पाए कि हम लोग माइकल या फिर ट्रेवर है। अब यार देखो लेस्टर कह रहा है कि तुम बस जाके हेलीकॉप्टर उड़ाओ और लेकर चलो सीधा गवर्नमेंट फैसिलिटी। बीच रास्ते में ये बताएगा कि ड्रेस चेंज करना जरूरी क्यों था। तो चलो यार हम भी चलते हैं सीधा हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं पीछे वाले रूम से निकल कर आ चुका हूँ अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए। तो अभी फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा गवर्नमेंट फैसिलिटी। और जल्दी से यार ये दोनों साइड के गेट भी बंद कर लो बस। वैसे यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना बहुत ज्यादा तगड़ा है और गाइस लेस्टर ने ना जल्दी से इसका जीपीएस भी डिसेबल कर दिया है ताकि जो पुलिस वाले हैं वो इससे ज्यादा देर तक ट्रैक ना कर पाए। और इस टाइम ना गाइस हमें थोड़ा बहुत दूर जाना है, तो ये जो जगह आप देख पा रहे हो ना गाइस यही है गवर्नमेंट फैसिलिटी। बस अभी लेस्टर बताएगा कि आखिरकार उसने पुलिस की ड्रेस पहनाई क्यों और अभी हेलीकॉप्टर को लेकर हमें किधर लैंड करवाना है, नीचे या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटी के ऊपर। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि सर्वर फार्म में घुसने से पहले पुलिस वालों की ड्रेस पहनना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मान लो अगर हम लोग नॉर्मल अपनी ड्रेस में जाते ना तो फिर हमारी घुसते ही फाइट शुरू हो जाती, तो फिर हमें सर्वर फार्म को चुराने में या फिर उसे हैक करने में दिक्कत आती। लेकिन अगर हम पुलिस वाले की ड्रेस में जाएंगे ना तो हमारी फाइट तो तब भी होगी लेकिन सर्वर को हैक करने के बाद, बस हमें फाइट तभी करनी है जब हमें वहां से निकलना है। तो ये जो सही है काफी तगड़ा प्लान था भाई लेस्टर का, मेरे को तो बढ़िया लगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा भाई कमेंट में बताना। तो चलो यार फिलहाल हम लोग बातों में 250 किलोमीटर की परार से पहुंच गए हैं सीधा गवर्नमेंट फैसिलिटी। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहां पर हेलीपैड तो दो दो हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि इस वाले हेलीपैड पर मैं अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा देता हूं एकदम आराम से। बस 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 बस, अरे नहीं 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 बस बढ़िया। तो चलो यार तुम्हारे भाई ने काफी ज्यादा बढ़िया लैंडिंग करवा दिया है। वैसे यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना इसको लैंड करवाना थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके जो चलने का तरीका है ना ये थोड़ा बहुत अलग है। जो बाकी हेली होते हैं ना गाइस उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पंखड़ी होती है, बट इसके अंदर दो दो है तो ये थोड़ा बहुत ना अलग तरीके से उड़ता है। बट जो भी है बहुत ज्यादा बढ़िया है। अभी फिलहाल लेस्टर और फ्रैंकलिन हमारे साथ नहीं आने वाले, मतलब फ्रैंकलिन तो अभी फिलहाल लेस्टर के साथ चले जाएगा और ट्रेवर हमारे साथ चलेगा क्योंकि पुलिस की ड्रेस हम दोनों नहीं पहनी है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रेवर भी प्लेन से बाहर आ चुका है और फ्रैंकलिन और लेस्टर प्लेन के अंदर बैठ के हमें कमांड देंगे हमें आगे क्या करना है। वैसे यार लेस्टर ने यहाँ के भी सीसीटीवी हैक कर लिए हैं, बट यार वो कह रहा है कि अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और बहुत ज्यादा खतरा है, तो हो सके तो फाइट मत ही करना वरना यार दिक्कत हो सकती है। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी यार देखो हमें अपना मेन काम कंप्लीट करना है, अगर फाइट होगी तो हम लोग बचकर आ जाएंगे, कौन सा इतनी बड़ी बात है। तो चलो यार अभी ना एकदम आराम से बाहर निकलते हैं, वैसे ज्यादा भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, पता चले कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं आगे चलता हूं। इस तरफ में एक सीढ़ी है तो इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली नीचे जा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग यहां पर मेरे राइट वाले ईयर में देख पा रहे हो मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है और इसी के थ्रू ना गाइस मैं लेस्टर से कंटीन्यूअसली कॉन्टेक्ट में रह पाऊंगा। और यहां पर फिलहाल ट्रेवर भी सीढ़ियां उतर के नीचे आ रहा है, बाकी तो यार एक ब्लूटूथ ट्रेवर ने भी लगा रखा है। वैसे यार मुझे लग रहा था यहां पर काफी
ज्यादा सिक्योरिटी और सीसीटीवी होंगे। फिलहाल इतनी सिक्योरिटी नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये काम हमारे लिए थोड़ा बहुत भी मुश्किल होने वाला है। तो जल्दी से आए ड्राइवर, फटाफट हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। फिलहाल बाहर की तरफ में काफी बढ़िया बढ़िया गाड़ी खड़ी हुई है। ये जो आप छोटी वाली गाड़ी देख पा रहे हो ना, ये देखने में चूरन सी है, लेकिन ये बहुत महंगी कार है। खैर छोड़ो, जो भी, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। फिलहाल सामने की तरफ में तो गेट बंद हो रखा है, बट अभी हम लोग पीछे की तरफ से आए हैं तो हमें उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर एक गेट था, ये भी खुल चुका है। तो वो जो आप सामने वाला गेट देख पा रहे हो ना, हमें यहाँ से जाना है गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर। अब यार देखो, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही वही है, लेकिन जो मेन है ना वो इस वाले गेट से जाता है बेसमेंट में, जहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो ट्रैवर जल्दी से आ जा, दोनों एक साथ चलेंगे। अपनी गन वगैरह भी अंदर रख लेते हैं, वैसे इस टाइम पर हम पुलिस वाले हैं, हमें इतनी कोई डरने की बात नहीं है। तो जल्दी से अभी हम लोग चलते हैं सीधा गवर्नमेंट बिल्डिंग सर्वर फार्म के अंदर। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल हम लोग लिफ्ट में बैठकर इस सर्वर फार्म के अंदर आ चुके हैं। फिलहाल सामने की तरफ में एक गार्ड है जो कि हमारी चेकिंग करेगा। तो चलो गाइस, यार अभी ना फिलहाल इस गार्ड को मैंने अपना फेक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया है, और गाइस इसको लग रहा है कि हम लोग रियल पुलिस ऑफिसर है। आखिरकार ये जो कार्ड है बनाया भी लेस्टर ने था। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं चलता हूँ सीधा सर्वर फार्म के अंदर। और गाइस यहाँ पर जितने भी गार्ड है ना भाई, सारे के सारे आर्म्ड हो रखे हैं, मतलब कि यार सभी ने बहुत तगड़ी वेस्ट और बहुत तगड़ा हेलमेट पहन रखा है। तो इनसे फाइट लेना कोई खतरे से खाली नहीं है। तो अभी ना गाइस लेस्टर यहाँ पर मेरे साथ कॉल पर है, और गाइस वो कह रहा है कि इस टाइम ना हमें सीधा जाना है B5 और D5 सर्वर पर, बस उनके आगे जाके अपना फोन ऑन करना है, बाकी का काम जो है लेस्टर करेगा। अब यार देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये सर्वर फार्म कितना बड़ा है। तभी हम लोग ने उस डॉक्टर को पकड़ा था ताकि हमें पता चले कि आखिरकार स्वैट सोल्जर्स एंड मिलिट्री सोल्जर्स का सामान कहाँ पर है। तो यार ये देखो, यहाँ पर ये जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे सर्वर के बॉक्स आप इन्हें कह सकते हो, मतलब एक बॉक्स नहीं है, इसके अंदर भी काफी सारे बॉक्स हैं। ये देखो जितना आगे है उतना ही पीछे है। अभी सबसे पहले हमें ढूंढना है B5 एंड D5। वो देखो B5 ढूंढ रहे थे, B5 हमें सामने ही नजर आ गया। तो गाइस अभी ना जल्दी से इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर ऐसी लाइन से बतेरे सर्वर लगे पड़े हैं। बाकी तो यार इधर मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, शायद से आगे वाले में मेन कनेक्शन है इनका। तो चलो गाइस अभी फिलहाल वो जगह हमें मिल गई, जल्दी से ना गाइस इसी के अंदर मेरे को अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। फिलहाल यहाँ पर एक सेकंड गार्ड आ रहा था, अच्छा हुआ मैंने नहीं खोला फोन। तो चलो अभी फिलहाल कोई आ तो नहीं रहा ना, एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ। अब चुपचाप से गाइस यार यहाँ पर मेरे को हैकिंग करनी है, फटाफट से गाइस यहाँ पर खड़े होकर मैं अपना फोन निकालता हूँ और अपनी हैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ। रुक जाओ यार, इसके पास लगाना पड़ेगा फोन, तभी अपनी हैकिंग स्टार्ट होगी। तो चलो बस अपने फोन को बस मेरे को यहाँ पे रखना है। तो चलो गाइस यार फाइनली यहाँ पर पूरे के पूरे 15 सेकंड बाद एक जो सर्वर है वो तो हमने हैक कर लिया है, मतलब इसके अंदर जितना भी डेटा था ना वो सारा का सारा लेस्टर के पास जा चुका है। और यहाँ पर यार ये जो आप गार्ड देख पा रहे हो भाई, किस तरीके से अपने आसपास घूम रहा है। अब यार देखो, बी यहाँ था तो मेरे हिसाब से डी इसके आगे होगा, वैसे ए वे कहाँ पर है वो तो कुछ पता ही नहीं चला। तो ये आ गया B7, ये रहा B10 और ये रहा B14। तो अभी गाइस जल्दी से ना थोड़ा बहुत और आगे चलते हैं, ये B18, B22। अबे ABCD के बाद भी कुछ होता है भाई, यहाँ पर बी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। एक काम करता हूँ, लेफ्ट साइड पर चलता हूँ। भाई साहब यहाँ पर भी गार्ड घूम रहे हैं, अगर इन्होंने मेरे को भागते हुए देख लिया ना तो ये लोग मेरे पे साफ शक करने वाले हैं कि इस तरीके से चल क्यों रहा है। और वैसे भी यहाँ की जो सिक्योरिटी गाइस बहुत ज्यादा टाइट है, पूरे के पूरे सर्वर फार्म में इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे हैं। और गाइस ये आ गया ए एरिया, तो यहाँ पर A23 गाइस मैं बहुत ज्यादा आगे आ गया हूँ और आगे की तरफ में 2-3 गार्ड हो रहा है। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल एक चीज तो मेरे को समझ आ गई कि लेफ्ट साइड में ए एंड राइट साइड में बी है, तो मेरे हिसाब से सी ओ डी उस साइड पर होगा। तो भी ना गाइस जल्दी से हम लोग इस तरफ में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर सी ओ डी किस तरफ है। तो यहाँ पर ओके, तो ये रहा C3 एंड ये रहा D5। ओके तो D5 है यहाँ पर, मेरे को लग रहा था D3 होगा। तो चलो यार अभी ना बस मेरे को यहाँ पर ढूंढना है कि आखिरकार इधर का कनेक्शन किधर है, जहाँ से हम लोग आराम से हैकिंग कर पाए। बाकी यार सामने की तरफ में एक गार्ड हो रहा है, इसके ना पहले जाने का वेट करते हैं। भाई काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ा हुआ, इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, यहाँ से राइट निकल लो, इसके अंदर से चलते हैं। भाई एक तो ना इनसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके तो चलो गाइज, यहाँ पर हमें जो मेन कनेक्शन है वो भी मिल गया। अभी फटाफट से ना गाइज यहाँ की हैकिंग भी स्टार्ट करते हैं, बस वो हमें देख ना ले। अब बस यहाँ पर एकदम आराम से हैक करके निकलना है। वो चला गया, चलो गाइज वो भी चला गया, हट जा ड्राइवर हट जा। एक सेकंड वो भाग के इधर आ गया, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। चलो अभी फिलहाल ये जा चुका है। अभी ना गाइज जल्दी से अपना मोबाइल निकाल के मेरे को इससे कनेक्ट करना। भाई इसने ये क्या कर रहा है भाई, इसके अंदर घूम रहा है पूरे में। पहले इसके जाने देते हैं, फिर हम कुछ करेंगे। भाई अगर इसने हमें देखा है तो हो सकता है इसको साफ साफ शक गया हो। खैर छोड़ो, अभी जल्दी से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और फटाफट से हैकिंग स्टार्ट कर दें। तो चलो गाइज सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमने इस वाले डेटा सर्वर को भी हैक कर लिया और गाइज यार टाइम आ चुका है यहाँ से चुपचाप निकलने का। तो चल भाई ड्राइवर आ जा आराम से। भाई साहब ये जो काम है ना, मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बट तुम्हारे भाई ने तो एक ही बार में आराम से निपटा दिया। तो चलो यार अभी ना जल्दी हम लोग यहाँ पर आराम से बाहर निकल लेते हैं। फिलहाल काफी सारे उत्तरी भैंस की, मुझे लग ही रहा था कि गाइस वो बंदा ना हमारे ऊपर एम कर रहा है और यहाँ पर तो उसने सीधा फायर कर दिया। तुम्हारी भैंस की टांग। गाइस यार इन लोग को मालूम पड़ गया कि हम लोग यहाँ पर सर्वर हैक करने आए थे। गाइस ये तो काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ये जितने भी बंदे हैं ना गाइस, इनके पास बहुत तगड़ा तगड़ा आर्मर है, तो इनको मारना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। वैसे गाइस इनकी एक कमजोरी पता चली है, अगर मैं इनकी चेस्ट पे गोली मारूंगा ना तो सीधा इनका हेलमेट उतर जाएगा। इनका हेलमेट जो है ना ज्यादा टाइट नहीं है, और अगर एक बार इनका हेलमेट
उत्तर कहना तो सीधा मेरे को मत्थे पे एक गोली मारनी है, अदरवाइज यार इनके 40-40 गोलियां मारनी पड़ सकती है। ये देखो यहाँ पर मत्थे पे कितनी मारूंगा तो अब जाकर ये यहाँ पर डाउन हुआ है, तो निकलते रही ऐसे की तैसी। फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, सामने एक और है, इसको भी मार दिया। तो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रैवर के तो रख के इन्होंने गोलियां बचा दिया है, पीछे से एक और आ गया भाग के तेरी मैं इसकी निकल। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग डे 15 तक आ गए भागते भागते। ओहो भाई एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई साहब। तो भाई सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गलत सीन हो चुका है, सामने की तरफ से भी काफी सारे बंदे आ गए हैं और यहाँ पर पीछे से भी बंदों ने आना शुरू कर दिया है। यहाँ पर फिलहाल उस साइड से तो कोई भी नहीं आ रहा, बट इसी ओ भाई यहाँ पर इसके मैंने कितनी गोलियां मार के गिराया उसके बाद भी ये लेट के लड़ रहा है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, ड्राइवर जल्दी से भाग के इधर आ। पीछे पीछे से ना गाइस अभी हम लोग यहाँ पर फटाफट निकल लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर की तो भाई टोपी उतार डाली इन लोगों ने मार मार के, तो दो तीन बंदे मैंने इधर और मार दिया, एक और आया तू भी निकल। तो चलो भाई फिलहाल ये तो सारे के सारे मारे गए, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है इधर से एक बंदा आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ गाइज, यहाँ से कोई ना कोई तो आ रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। वैसे यार इधर काफ़ी सारे बंदे हैं, तो अभी फिलहाल हम लोग भाग के लोबी की साइड में तो आ गए हैं, बट लोबी में तो और भी ज़्यादा बंदे होंगे। एक काम करता हूँ, पहले पीछे की तरफ में जितने बंदे हैं उनको मैं मारता हूँ ताकि ये लोग ना हमें बाद में आकर डिस्टर्ब ना करें। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों को हमने मार दिया है और गाइज लेस्टर कह रहा है कि जितने भी CCTV है ना यहाँ के डिसेबल कर डालो। भाई सब कितनी जान है इनके हेलमेट में। तो चलो यार सबसे पहले ना गाइज मुझे यहाँ के CCTV डिसेबल करने हैं, ऐसा लेस्टर कह रहा है कॉल पे। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी ये PC थे ना मैंने इनको तोड़ दिया, ये लोग इनके हमारी लोकेशन ही नहीं देख पाएंगे तो फिर हमें मारेंगे क्या। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं, वो देखो सामने की तरफ में एक बंदा और जा रहा है हमें ढूंढने के लिए। तो गाइस अभी ना कुछ भी करके यार हमें यहाँ से निकलना ही निकलना है। वैसे यार सामने की तरफ में ना गाइस एक बंदा और खड़ा हुआ है, तो अभी फिलहाल रख रख के मैंने इसे बचा दी और अब जाकर ये डाउन हुआ है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी M4 को रीलोड करता हूँ। M4 की जगह गाइस मैं क्यों ना अपनी M24 नहीं चलाऊं। एक बंदा गिरा, तेरी भैंस की टांग। वहां पर भाई कितना तगड़ा हेलमेट है यार इसका। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया और नीचे से ऐसा लग रहा है कोई मारने की कोशिश तो कर रहा है बट वो मेरे को नजर नहीं आ रहा। एक बंदा ये रहा, तेरी भैंस की। यहाँ पर भाई कितनी जान है इनके हेलमेट में। भाई साहब कुछ ज्यादा ही पावरफुल बंदे। एक मिनट रुक जाओ गाइस, इनको मारने का ना सही तरीका ये नहीं है। इनको मारने के लिए गाइस यहाँ पर ना मैं इनके पास एक स्टिकी बॉम्ब फेंकता हूँ थोड़ा सा पास जाके। अब आओ बेटा क्या कर सकते हो मैं भी देखूँ। अब बस गाइस इनके गोलियां बजानी है और यहाँ पर ये वाला जो बॉम्ब है ब्लास्ट कर देना है। तो चलो यार अभी फिलहाल एक बंदे को मैंने मार दिया, एक बंदा सामने की तरफ एक और खड़ा हुआ है एकदम मेन गेट पर। तो गाइस अभी ना फिलहाल उस तरफ मैंने एक बॉम्ब ब्लास्ट करा था लेकिन यार ये जो बंदा है ना अभी भी नहीं मरा। तो यहाँ पर अब जो है इसका खेल खत्म करने का टाइम आ गया यार, निकल तेरी ऐसे की तैसी। तो चलो भाई बहुत तगड़ा हेडशॉट मैंने यहाँ पर इसके बजा दिया है, बट यहाँ पर अभी भी नहीं मरा। एक और हेडशॉट मैंने इसके मार दिया। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा सा हो रहा है, एक और ले तू इसी की भैंस की टांग। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर अब शायद से ये मर गया। भाई साहब क्या तगड़ा हेलमेट है यार इनके पास, पूरा स्नाइपर का एकदम हेड पे शॉट मारा है फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो चल भाई ड्राइवर जल्दी से भाग के ऊपर आ। तो चलो भाई अभी फिलहाल ड्राइवर भी यहाँ पर आ गया। सारे के सारे पहले तो यहाँ पर PC बंद करो। और गाइस अच्छी बात तो ये है कि हमने यहाँ का ना एक भी सर्वर खराब नहीं करा। तू कहाँ से आ रहा भाई, यहाँ से निकलो यार, यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। जल्दी से आ जा ड्राइवर लिफ्ट के अंदर, मैं बटन दबाने वाला हूँ वरना। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं फैसिलिटी से बाहर आ चुका हूँ और गाइस यार अभी ना मेरे को लेस्टर की कमांड आई है कि हमारे पीछे बहुत ज्यादा पुलिस पड़ चुकी है, क्योंकि उन लोग को मालूम पड़ गया कि वो जो हेलीकॉप्टर है ना हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन उन लोग को मालूम नहीं है कि हमने उनका पूरा का पूरा सर्वर भी हैक कर डाला है। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोग को मारो। और वैसे यार हमें ना यहाँ से एक हेलीकॉप्टर तो मिल गया है, तो ड्राइवर जल्दी से आके हेलीकॉप्टर में बैठो और गाइस यही मौका है यहाँ से निकलने का। वैसे यार देखो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर की तरफ में अपना भी हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। और गाइस एक सेकंड यार, ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी पंखड़ी गई यार, ये पूरी की पूरी गई, इसके अंदर से धुआं भी निकलना लग गया है। अभी सबसे पहले यार इस वाले हेलीकॉप्टर से उतरो। भाई चार गोली का हमारी इसकी तो हालत ही खराब हो गई। फिलहाल ऊपर से बंदों ने आना शुरू कर दिया है। और गाइस अभी ना लेस्टर कह रहा है कि तुम लोग क्या करो, पीछे की तरफ में जो ट्रेन आएगी ना उसके अंदर बैठ जाना और हम लोग तुम्हें आगे से पिकअप कर लेंगे। मतलब यार लेस्टर ना अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहां से निकल रहा है और ऊपर की तरफ से जितने भी बंदे आए थे ना भाई सबको यहां पर हमने मार दिया है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हमें अपने हेलीकॉप्टर में नहीं जाना, हमें जो पीछे ट्रेन तो चली गई यार, एक सेकंड अपने साथ सीन ही खराब हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी दूसरी ट्रेन के आने का वेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है, बट यहाँ पर एक के बाद एक हेलीकॉप्टर आते रहेंगे तो फिर तो यार गड़बड़ होती ही रहेगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं भाग के थोड़ा सा पीछे की तरफ में आ गया हूँ, क्योंकि यार ऊपर से हेलीकॉप्टर ने भी आना शुरू कर दिया है और लेस्टर और फ्रैंकलिन अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। उन्होंने बोला कि वो लोग ट्रैवर के गाँव में जो रेलवे ट्रैक जाता है ना वहाँ से हमें उठा लेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से जो ट्रेन आएगी ना वाली ट्रेन पकड़नी है और वो ट्रेन वहीं से होकर गुजरती है। तो चलो बेटा यहाँ से तू भी निकल, इसको भी यहाँ पर मैंने मार दिया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर और आ गया, आ जाओ बेटा देखते हैं आखिरकार ये कितने बंदे नीचे भेजेंगे। हवा में सारे के सारे पिटेंगे, आ तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर देखता हूँ एक आया, तू भी निकल और तू भी निकल। तो चलो भाई ये दोनों गए यहाँ पर। अभी फिलहाल यहाँ पर सामने भाई पुलिस वालों की तो गाड़ी यहीं पर आ गई, उतरने से पहले सारे के सारे पिटेंगे। तो चलो अभी फिलहाल इनको मार दिया, तुम्हार को ज्यादा जल्दी हो रही, आ जाओ।
भाई साहब नहीं यार गाइस यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। अभी ड्राइवर जल्दी यहाँ से निकल, वरना हम सारे के सारे बहुत बुरी तरह पिटने वाले हैं। भाई यार ट्रेन तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, जल्दी से मैं काम करता हूँ उस वाली गाड़ी में बैठता हूँ। तेरी भाई क्या शॉटगन मारी उस बंदे ने। चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अपनी जो गाड़ी है ना उसका टायर भी पंचर हो रखा है। और गाइस अभी ना मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तो आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। अपने बगल में देखोगे गाइस कौन बैठा है, ये पुलिस वालों का ही बंदा है। तो यार एक सेकंड वाला गेट खुल गया भाई, मुझे लग रहा था लॉक है। तो चलो यार अपनी किस्मत अभी अच्छी थी। फिलहाल ये जो रेलवे ट्रैक जा रहा है ना मेरे को यहाँ पर जाना है, बट यार ये जो एक सेकंड भाई सर ये तो जालियां खुली नहीं रही, यानी कि हम लोग उस साइड पर नहीं जा पाएंगे। एक और ट्राई कर लेता हूँ। भाई ये नहीं खुलने वाली, ट्रेन आ गई गाइस, ट्रेन मिस हो जाएगी। हमें बस कुछ भी करके वाली ट्रेन पकड़नी है। खुल जा भाई, ये जालियां नहीं खुलने वाली, यानी कि गाइस ट्रेन मिस हो गई। अभी जो फ्रैंकलिन और लेस्टर है हमें नहीं उठा पाएंगे, अभी हमें खुद का ही दिमाग लगाना पड़ेगा पुलिस वालों से बचने के लिए। तो मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है, अपनी जो गाड़ी है ना गाइस उस गाड़ी को मैं माउंटेन की उस साइड पर लेकर चलता हूँ जहाँ से हम लोग बिग माफिया के भाई से मिलने के लिए गए थे। शायद से तब कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच पाएगी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को एकदम पीछे की तरफ से घुमाता हुआ लाया हूँ, और अभी ना मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ सीधा सामने वाली साइड पर। और वहाँ पर गाइस आप लोग को ना दो जेट्स की नजर आ रही होगी। तो भी ना गाइस जल्दी से हम लोग अपनी अपनी कार से उतर चुके हैं, तो भी जल्दी से ना गाइस ये वाली जेट्स की पकड़कर मैं निकल लेता हूँ सीधा एक सेफ जगह पर। आप लोग को याद होगा कि काफी टाइम पहले हमने जब बैंक मैनेजर को मारा था, जो माइकल का दोस्त था अमीर वाला, तो उसको जब हमने मारा था ना, तो उसी सेफ जगह पर हम लोग उसे एक बार लेकर गए थे और वहीं पर हमने उसे मारा था। तो भी ना गाइस जल्दी से ट्रैवर भाग कर, रुक जा मैं तेरे पास आ रहा हूँ अपनी जेट्स की लेकर। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं ट्रैवर को अपनी जेट्स की में बैठाता हूँ। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर भाई कितनी जल्दी हमारा पीछा करते करते पहुंच गए। तो चलो जल्दी घूम जा बस अभी गाइस फटाफट से मेरे को अपनी जेट्स की लेकर निकलना है। भाई ट्रैवर पकड़ कर बैठ जा, अब बस मैं इनसे पीछा छुड़ा तो लूंगा। बट यार ये लोग अपनी बोट भी ले लेकर आ गए हैं। फिलहाल सामने की तरफ में 2-3 बंदे जा रहे हैं, इनके साथ चलते हैं, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी जेट्स की भगाते उसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। तो बस ना मुझे अपनी जेट्स की को यहाँ से अंदर लेना है। आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले यहाँ पर ना एक सीक्रेट बेस हुआ करता था मिलिट्री वालों का, जो कि यार मैंने पूरा का पूरा ब्लास्ट करा था। तो गाइस अभी ना फिलहाल यही अपने लिए एक सेफ लोकेशन है। तो भी ना गाइस जल्दी से मैं अपनी जेट्स की को इधर खड़ा कर देता हूँ। तो चलो भाई फाइनली हम लोग ने यहाँ पर पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अभी भी हमारे पास पहुंच जाएं। और अभी मैं इस जगह से निकलने नहीं वाला, लेस्टर को पहले बोलूंगा वो हेलीकॉप्टर लेकर इधर आए, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ ओनली 750,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।